जय माता दी ऑल एंड आई होप यू एंजॉयड द लास्ट थ्री क्वेश्चंस यस्टरडे. और कल बहुत सारी अनाउंसमेंट्स कर दी हैं आप लोगों के फायदे के लिए. टेक्निकल टीम बैक एंड पे काम कर रही है लेकिन आज बिल्कुल टाइम वेस्ट किए बिना आगे बढ़ेंगे. सबको अब तो डेट शीट मिल गई है ICSI की तरफ से. नाउ यू हैव द डेट शीट और मैंने आपके लिए पूरा एक शेड्यूल राइटिंग में तैयार कर लिया है. आई हैव प्रिपेयर्ड अ शेड्यूल फॉर यू इन राइटिंग. आपको एक झलक दिखा देता हूँ. Well, then I'll revert back to what we are going today to do over here. और date-wise और इसकी word file आपको इसी video में description में आज रात तक मिल जाएगी. You'll be getting. Well, इसमें थोड़ा सा काम बाकी है तो I'll provide that word file to you in the description of this video. Don't worry about this. तो उसके लिए दोबारा आपको एक बार आकर basically कहना चाहिए कि वो वर्ड फाइल एक्सेस करनी पड़ेगी. और वर्ड फाइल क्यों दे रहा हूँ, ताकि आप ये जो शेड्यूल यहाँ लिखकर दिया आपको, दिन में चार चार घंटे के दो शिफ्ट बनाकर दिए हैं, साढ़े तीन घंटे का एक, ढाई घंटे का एक, जो आपको फॉलो करना है, बीच में ब्रेक टाइम भी दिया है आपको. और चाहता हूँ कि मैक्सिमम आउटपुट आपकी आए 13 hours, 14 hours, 15 hours, जितना भी आप पढ़ सकते हैं. मैं अपने बारे में बताऊंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा आपका. वेल, आई डोंट रियली वॉन्ट टू गो इन टू दैट. मेरी मैं क्या बोलूं, मेरी नानी ने, मेरे मामा जी ने, मेरी मामी ने मुझे एग्जीक्यूटिव की शुरुआत करते हुए और ग्रुप देते हुए देखा, नॉट माय पेरेंट्स. दो महीने एग्जाम से पहले वाले दो महीने, लास्ट टू मंथ्स बिफोर एग्जाम, आई वाज स्टेइंग एट माय मामा जीज प्लेस. माय नानी यूज्ड टू गो मैड. ये लड़का रात को सोता ही नहीं है, पूरा दिन लाइब्रेरी रहता है. सुबह 4 बजे तो उठकर नहाने धोने चला जाता है और फिर 5 बजे तो इसको लाइब्रेरी में सीट चाहिए होती है और 4:45 बजे तक तो भागना शुरू कर देता है, जॉगिंग करना कि जा रहा हूँ लाइब्रेरी, क्योंकि सुबह उतनी जल्दी बसेस नहीं मिलती थी. उस जमाने में मेट्रो थी नहीं, बसेस मिलती नहीं थी तो पैदल जाया करता था जो NIRC प्रसाद नगर. और रात को 11:30 बजे तो लाइब्रेरी से निकलता है, रात को 12 बजे तो घर आता है और उस वक्त भी बसेस नहीं होती है और भागते हुए या दौड़ते हुए आ रहा होता है, खाना खाता है और फिर रात को पढ़ने के लिए बैठ जाता है. सोता कब है मेरे बारे में तो आप पूछो मत. मतलब जिन्होंने मुझे देखा है, माय एल्डर्स, वो लोग तो कहते हैं ये लड़का मतलब पैशन है, मैड है, पागल है. और मेरे फ्रेंड्स जो मुझे जानते हैं, दे कैन डिस्क्राइब बेटर. मैं अपनी कहानी किसी दिन बताऊंगा इफ यू आर इंटरेस्टेड इन नोइंग दैट. लेकिन आज का टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करेंगे. आप लोगों के लिए शेड्यूल सेट कर रहा हूं और आप उसमें जितना बढ़ा सको बढ़ा देना, कम मत करना. एंड नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम गेटिंग स्टार्टेड. आज हम 7 ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात करेंगे. आज हम DG वेब सीरीज शुरू करेंगे और हर कॉन्सेप्ट के ऊपर हम 10-10 मिनट लगाएंगे कि आपकी कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट कहीं गलत तो नहीं जा रहे हैं, ये चीज देखने के लिए. और अगर गलत जा रहे हैं तो आज सब ठीक करने वाले हैं. पिछले दिनों में मैंने देखा था यूट्यूब के ऊपर बहुत कचरा चल रहा था, बहुत ज्यादा ही कचरा चल रहा था और बहुत गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाए जा रहे थे और स्टूडेंट्स बेचारे भोले भाले मासूम, उन्हें पता ही नहीं होता ना कि कौन क्या पढ़ा रहा है. तो आज वो बेरेक्ट से कैसे पढ़ा जाता है और सही कैसे पढ़ा जाता है वो समझ में आ जाएगा. बेरेक्ट मैं बार बार बोलता रहूं, भागवत गीता है, दिल के अंदर रहती है, दिमाग के अंदर रहता है. और ये नहीं रहता आपके अंदर तो आप बेकार कंपनी सेक्रेटरी बनोगे, आप बेकार स्टूडेंट हो और आप बेकार कंपनी सेक्रेटरी बनोगे. तो मेरे साथ जुड़ने के लिए तो आपको बेरेक्ट के साथ जुड़ना कंपलसरी है, बॉन्ड है. वेल, कंपलसरी कंडीशन है आज से. और इसके अलावा आज 2 फ्री गिफ्ट्स अनाउंस करने वाला हूं. एक तो ऑलरेडी बता दिया आपको, वो जो देने वाला हूं ऑलरेडी, ऑब्वियसली दैट इज द शेड्यूल वर्ड फाइल जो कि आप ले सकते हैं. एग्जीक्यूटिव ग्रुप 2 वालों के लिए भी, वो भी परेशान ना हो, उनके लिए भी तैयार है. तो वो कहीं कहे सर हमारे साथ इतना सौतेला बिहेवियर, सब कुछ एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 अभी जो स्क्रीन पे दिखाया था दोनों के लिए बनाया है और दोनों को शेयर करने वाला हूं. एंड देन आई विल से एक फ्री गिफ्ट और है जो अभी नहीं बताऊंगा, लास्ट में बताऊंगा, वो भी आपको मिलेगा और कैसे मिलेगा वो भी बताऊंगा. देन गेटिंग स्टार्टेड विद दिस. और आज ऑब्वियसली वी आर स्टार्टिंग विद DG वेब सीरीज. आज हम क्या क्या करने वाले हैं, स्पेशल कंपनी स्पेशल कॉर्पोरेट्स अंडर सेक्शन 1 सबसेक्शन 4 डेफिनेशनल प्रोविजन में कहां क्लॉजेस, कल पूछ रहा था ना मैं, और कहां सबसेक्शन आता है. कभी कभी सेक्शन 2 के बाद सीधा क्लॉज बोलते हैं, जैसे कंपनी एक्ट में है सेक्शन 2 क्लॉज 1, सेक्शन 2 क्लॉज 20, सेक्शन 2 क्लॉज 11 एंड सो ऑन. और कभी कभी डेफिनेशन में सेक्शन 2 में सबसेक्शन आता है फिर क्लॉज आता है. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज डी. सेक्शन 2 में डेफिनेशंस में भी ऐसा होता है. हाँ जी होता है. तो वो एग्जांपल भी आज आपको देने वाला हूं.
नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 3A के बारे में बात करेंगे, टू द प्राइवेट कंपनी विच हैज बिकम सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, और बहुत सारे सवाल जवाब होंगे। हर टॉपिक के ऊपर 5-5, 7-7 मिनट लगाएंगे, कहीं जरूरत होगी तो 10 मिनट, लेकिन उसके बाद देन विल गेट इनटू द वेब सीरीज। तो आज वेब सीरीज की पहली कड़ी है, शुरुआत है, और आपसे कुछ पूछूंगा कि दूसरी कड़ी में आप क्या चाहते हो, क्या आना चाहिए ब्रह्मास्त्र में और वेब सीरीज में, दोनों में। और ब्रह्मास्त्र भी लॉन्च हो रहा है कल, सो टेल मी द टॉपिक वेल विच यू वॉन्ट टू चूज, क्योंकि मैंने 4 ब्रह्मास्त्र तैयार कर लिए हैं, आप कौन सा वाला चाह रहे हैं। इफ अ प्राइवेट कंपनी बिकम्स सब्सिडियरी कंपनी, फॉरेन कंपनी, बॉडी कॉर्पोरेट, तीनों में क्या डिफरेंस है। देन इफ अ प्राइवेट कंपनी बिकम्स सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी विच इज वेल मे बी अ पब्लिक कंपनी, मे बी अ प्राइवेट कंपनी, तो क्या उस फर्स्ट प्राइवेट कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड वो रख सकती है गवर्नमेंट कंपनी की सब्सिडी बनने के बाद, और वो गवर्नमेंट कंपनी प्राइवेट कंपनी भी हो सकती है, वो गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी भी हो सकती है, दोनों का जवाब अलग अलग बात करेंगे। बहुत कुछ है सीखने के लिए आज। एंड देन वेदर एन इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ द फॉरेन कंपनी कैन बी कंसीडर्ड एज इंडियन कंपनी, फॉरेन कंपनी नहीं इंडियन कंपनी, मैंने पूछा था कल और आज रिपीट कर रहा हूं। देन वेदर अ फॉरेन कंपनी लाइक गूगल इंक विल हैविंग अ ब्रांच ऑफिस इन इंडिया नॉट सब्सिडरी इन इंडिया विल कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियन सब्सिडरी इंडियन कंपनी, क्या उस फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी मान सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस, ये भी सवाल मैंने कल पूछा था, जवाब नहीं दिए थे मैंने कल, आज जवाब देने वाला हूं। कुछ लोगों ने ट्राई किया था, मुझे मालूम है वो छोटे बच्चे अपने लेवल तक ट्राई करते हैं, मेरा लेवल ऑब्वियसली आपसे थोड़ा सा ज्यादा है, तो मैं वो थोड़ा सा ज्यादा आज आपको बताने वाला हूं, और वहीं एग्जाम में डिफरेंस आ जाता है 4 में से 0 और 4 में से 4 या 4 में से 3 व्हाटएवर, तो वो थोड़े से ही पे कहानी घूम जाती है। देन डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन, बहुत बच्चे कहते हैं सर ये समझ ही नहीं आ रहा क्या चीज है, कॉर्पोरेट व्हील मालूम है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मालूम है, विकेरियस लायबिलिटी मालूम है, लेकिन ये नहीं मालूम ऑल्टर ईगो क्या है। और वेब सीरीज तो आज शुरू करेंगे, एंड वेट फॉर द नेक्स्ट गिफ्ट जो मैंने अभी तक अनाउंस नहीं किया है, उसके लिए इंतजार कीजिए। देन बिफोर आई गो ऑन फर्दर, क्योंकि बेरेक्ट के बारे में बात कर ही रहा हूँ बार बार, तो मैं चाहूंगा कि सीएस एग्जीक्यूटिव में कंपनी लॉ पढ़ने वाले बच्चों के लिए हम कुछ खास एक गाना एक पोएम मैंने क्रिएट की थी, वो बेचारे बच्चे जो बेरेक्ट पढ़ना नहीं जानते, तो उनके लिए हाँ, तो आप लोग मेरा साथ दीजिए थोड़ा सा इसके अंदर, मेरे साथ साथ बोलेगा, जॉनी जॉनी यस पापा बेरेक्ट पढ़ लिया, नो पापा लीगल लैंग्वेज, नो पापा ओनली टीचर शॉर्ट नोट्स, यस पापा मारा रट्टा, यस पापा डफर बनोगे, आ आ आ लॉन्ग टर्म फ्यूचर होगा स्वाहा, क्योंकि बेरेक्ट तो पढ़ा ही नहीं कभी, खोल के भी नहीं देखा सर, बेरेक्ट तो कभी खरीदा भी नहीं, एग्जाम को अब 2 महीने रहते हैं, अब क्या कर लेंगे, अब तो क्या कर लोगे, लेकिन दिसंबर 2021 की कोई तैयारी कर रहा है ना वो तो जरूर कर लेना, नहीं तो थप्पड़ मारूंगा खींच कर, सही बता रहा हूँ, अगर काश की स्क्रीन में से हाथ बाहर आ पाता तो वहीं आकर मार देता अगर बेरेक्ट के लिए मना करोगे तो। और जो लोग पढ़ रहे हैं ना, सेल्फ स्टडी कर रहे हैं या किसी और टीचर से भी पढ़ रहे हैं, बेरेक्ट जरूर पढ़ो और उस टीचर से एक एक सेक्शन खोल खोल कर पूछो, ये कॉमा यहाँ पर क्यों है, ये यहाँ नहीं होता, यहाँ होता तो क्या होता, तरीके से पढ़ना, वरना जिंदगी में झाड़ू मारते रहोगे, सही बता रहा हूँ, झाड़ू मारते रहोगे इन द सेंस बस ई फाइलिंग करते रहोगे, मिनट्स बनाते रहोगे बोर्ड मीटिंग के, और फिर कहोगे सीएस की नौकरी बेकार है, 25,000 रुपये महीना सैलरी मिलती है, 30,000 रुपये महीना सैलरी, यही करते रहोगे बस सारी जिंदगी। अगर अच्छा बनना है कुछ जिंदगी में, हाई लेवल पे जाना है, वो जो टॉप 100 टॉप 200 कंपनीज हैं इंडिया में वहां तक जाना है, तो बेरेक्ट पढ़ लेना, नहीं तो कोई औकात नहीं बचेगी फ्यूचर में सीएस की डिग्री मिलने के बाद, मैं बता रहा हूँ आपको। देन डेडिकेटेड टू ऑल, समझ गए ना क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बेरेक्ट के साथ ईमानदार रहना तो जिंदगी में कुछ कर पाओगे। देन और अगर टीचर्स नहीं पढ़ा रहे हैं जरूर खरीद लो, टैक्समैन का ले लो, भारत का ले लो, और कंपनीज आती हैं किसी का भी ले लो यार, किसी की भी वेबसाइट से ले लो, इतनी सारी बुकशॉप्स हैं अब तो खुलनी भी शुरू हो गई है, बुकशॉप दिल्ली में भी अनलॉक हो गया है, आपके यहाँ पर भी हो रहा होगा, थोड़ा 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 हो गया, सारा तो नहीं हुआ है, लेकिन बेरेक्ट जरूर होना चाहिए। नाउ लेट मी गो ऑन फर्दर, तो ये डेडिकेटेड है, ये पोएम किसको डेडिकेटेड है, सारे बच्चों को नहीं, कुछ तो पढ़ते ही बेरेक्ट से, ईमानदार हैं, लेकिन टू ऑल ऑल चतुर वाला स्टूडेंट्स, भाई 3 इडियट्स में जो चतुर था ना उस टाइप के, वो याद है वो सर जिप क्या होती है, जिप, रिमेंबर दैट, अप डाउन अप डाउन अप डाउन, देन वो रट्टा मारने वाले स्टूडेंट्स, समझने वालों के लिए बेरेक्ट है वेल, और जो नहीं समझने वाले हैं उनको कहूंगा आ जाओ सही रास्ते पे आ जाओ। सो देन आई विल से एक चीज और बोलूंगा, अगर आज तक सिर्फ रटते रहे हो ना और कभी बेरेक्ट से नहीं पढ़ा है, तो ये सब बेरेक्ट से पढ़ लेना, और ये सब कुछ मैंने बेरेक्ट से पढ़ाकर यूट्यूब के ऊपर डाला हुआ है, वो जरूर देख लेना,
क्योंकि जिसने भी पढ़ाया होगा ना बेरेक्ट से नहीं पढ़ाया होगा, सही बता रहा हूँ, बेरेक्ट से कैसे वर्ड टू वर्ड पढ़ा जाता है ना और कैसे एनालाइज किया जाता है वो जरूर देख लेना, और मेरी प्लेलिस्ट है वो कंपनी लॉ एंड ब्लड, उसमें जरूर देख लेना, अगर दिसंबर 2021 एग्जाम है जरूर देख लेना, और अभी भी अगस्त 2021 में तो स्पीड अप करके स्पीड बढ़ाकर देख लेना, क्योंकि 1.5 1.75 स्पीड पे देख ही सकते हो, तो वो जरूर देख लेना, अंदर तक उतर जाएगी, दिल में उतर जाएगा, लीवर में उतर जाएगा, किडनी में उतर जाएगा, हर जगह आ जाएगा, समझ में आ जाएगा कि पढ़ने का सही तरीका क्या है। डेनाइल से ऑल्टर ईगो भी चलते हैं। अच्छा थोड़ा सा ट्विस्ट है, जो लास्ट टॉपिक लिखा था वो पहले करवा रहा हूँ, ऑल्टर ईगो, क्योंकि शुरू शुरू में सालोमन वाले चैप्टर में तो कंफ्यूजन होती है। अब मैं तीन लाइनें बोल दूं यहां पर, फिर चौथा इस पे आता हूं ऑल्टर ईगो पे। लाइन नंबर वन, सेपरेट लीगल एंटिटी, सेपरेट लीगल एंटिटी सबको मालूम है, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कॉर्पोरेट व्हील, कॉर्पोरेट व्हील कंपनी एक पर्दा है और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और शेयर होल्डर अंदर बैठे हैं, बाहर से अगर कोई कंपनी के ऊपर सूट फाइल करता है तो कंपनी के ऊपर सूट फाइल करेगा, शेयर होल्डर और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कंपनी के अंदर बैठे ऐश कर रहे हैं, सेफ है, क्योंकि कंपनी ने ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो कंपनी अपना सूट खुद फेस करेगी, कंपनी कैन स्यू एंड बी स्यूड इन इट्स ओन नेम, पता है सबको। नंबर वन। नंबर टू, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, अगर कॉर्पोरेट व्हील का गलत इस्तेमाल किया है फॉर द इम्प्रॉपर यू कैन से इम्प्रॉपर ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर टैक्स इवेजन, फॉर कमिटिंग फ्रॉड, तो पर्दा उठाएंगे, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील या पर्दे में छेद करेंगे, पियर्सिंग, और अंदर बैठे हुए फ्रॉडलेंट डायरेक्टर्स की गर्दन पकड़ लेंगे और दे विल बी कंसीडर्ड एज लायबल। तीसरा, विकेरियस या वाइकेरियस लायबिलिटी, जो भी आप कहते हैं, एम्प्लॉई अगर कोई गलत काम करता है तो एम्प्लॉयर बिकम्स लायबल फॉर द रॉन्गफुल एक्टिविटीज डन बाय द एम्प्लॉई, एम्प्लॉई ने वेल इन द कोर्स ऑफ बिजनेस कोई गलत काम किया है तो एम्प्लॉयर ऑटोमेटिकली बिकम्स लायबल फॉर दोज रॉन्गफुल एक्टिविटीज ऑफ द एम्प्लॉई, वाइकेरियस लाइबिलिटी रहती है, स्पेशली उन स्टैचूट्स में जहां क्लियरली स्टैचूट में ही लिखा हुआ है, लॉ में ही लिखा हुआ है कि वाइकेरियस लाइबिलिटी है, तो वहां तो रहती ही है। ये तीन चीजें आपको ऑलरेडी पता है। अब ऑल्टर ईगो क्या है, ऑल्टर ईगो का कुछ कॉन्सेप्ट ICSI मॉड्यूल में दिया हुआ है, आप लोगों ने पहले से पढ़ा होगा, मैं मानकर चल रहा हूं, मैं इसको रीड आउट नहीं कर रहा हूं, आई एम नॉट रीडिंग आउट, दिस इज देयर इन द मॉड्यूल ऑफ ICSI, और आपको आपने पहले पक्का पढ़ा ही होगा अगर आपके अगस्त 2021 में एग्जाम्स हैं। मैं एक लाइन आगे कहां लेकर जा रहा हूं आपको, ऑल्टर ईगो को हम कहते हैं ये लैटिन लैंग्वेज का वर्ड है और इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं तो इसका मतलब होता है अदर आई, जैसे मैं सामने शीशे में अपने आप को देखता हूं, मेरी जो इमेज है अदर आई, मेरा जो क्लोन है वो मेरी ऑल्टर ईगो है, दैट इज देयर। अब ये ऑल्टर ईगो का कॉन्सेप्ट इंडिया में सुप्रीम कोर्ट ने कैसे अप्लाई किया है, एक बहुत इंटरेस्टिंग केस है सुनील भारती मित्तल, और उसके बाद मैं दो सवाल आपसे पूछूंगा, आप जवाब दीजिएगा, सब क्लियर हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये प्रिंसिपल या रूल या डॉक्ट्रीन ऑफ ऑल्टर ईगो का क्या मतलब है, इट कैन बी अप्लाइड ओनली इन वन डायरेक्शन, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में इसको लगाना है, टू मेक द कंपनी लायबल फॉर द गिल्टी माइंड, यू नो दैट गिल्टी माइंड, मेंस रिया, मालूम है ना सबको, गिल्टी इंटेंशन, गिल्टी माइंड। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि प्रिंसिपल ऑफ ऑल्टर ईगो आपको सिर्फ एक ही डायरेक्शन में लगाना है, to make the company liable for the guilty mind, guilty activities committed by the person or the group of persons who are controlling the company. और ये लोग normally कौन होते हैं? Obviously board of directors होते हैं, managing director, chairman, और सारे director नहीं होते हैं, वो कई बार part-time director, independent director तो control नहीं कर रहे होते हैं, वो तो बस साल में चार बार board meeting attend करने के लिए आते हैं, तो executive director, whole-time director, managing director, chairman, और कभी-कभी वो shadow director भी होता है, जो कंपनी में डायरेक्टर ही नहीं है, सुब्रता रॉय होल्डिंग 70% शेयर्स इन द कंपनी, लेकिन सारे डायरेक्टर्स को कहता है आओ मेरे घर लखनऊ आओ, बोर्ड मीटिंग मेरे घर में होगी, तो सारे डायरेक्टर्स बेचारे गाय की तरह बकरी की तरह वेल सर झुकाकर पहुंच जाते हैं सुब्रता रॉय के घर बोर्ड मीटिंग अटेंड करने के लिए। सुब्रता रॉय साहब ऑन पेपर सहारा इंडिया लिमिटेड में डायरेक्टर नहीं है, चेयरमैन नहीं है कंपनी के, सिर्फ शेयर होल्डर है होल्डिंग 70% शेयर्स, लेकिन सबको बोला मेरे घर आना पड़ेगा बोर्ड मीटिंग के लिए, तो सारे डायरेक्टर सर झुकाकर पहुंच जाते हैं, क्योंकि सबको अपॉइंट ही सुब्रता रॉय ने किया है, तो सुब्रता रॉय इज शैडो डायरेक्टर जिसकी बोर्ड ऑफ जिसकी डायरेक्शन सब लोग मानने के लिए अकस्टम्ड हैं, डे टू डे बेसिस पे मानते हैं, अकस्टम्ड है, हैबिचुअल है, दैट इज शैडो डायरेक्टर, याद होगा आपको शैडो डायरेक्टर। तो यहां पर मैं कहूंगा वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में वेल सारे नहीं, मतलब बेसिकली आप कह लो मैनेजिंग डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है, शैडो डायरेक्टर हैं वो लोग यहां पर हो सकते हैं जो कंपनी को कंट्रोल कर रहे हैं, एज दे रिप्रेजेंट द ऑल्टर ईगो ऑफ द कंपनी। अब सुप्रीम कोर्ट कहता है ये जो लोग हैं ना यही कंपनी की ऑल्टर ईगो है, कंपनी खुद नेचुरल पर्सन तो है नहीं, ये लोग कंपनी का ब्रेन है, ये लोग कंपनी के अंदर बैठे हैं, कंपनी का ब्रेन है, तो जो इन लोगों की इंटेंशन है वही कंपनी की इंटेंशन है,
जो इन लोगों की इंटेंशन है, अच्छी या बुरी या मेंस या गिल्टी माइंड गिल्टी इंटेंशन, वही कंपनी की इंटेंशन है। तो एक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं, यहां पर सुप्रीम कोर्ट कहता है वन डायरेक्शन में काम करेंगे, कंपनी को लायबल बनाएंगे अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने मेंस रिया से कुछ गलत काम किया है, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने। आई होप बात समझ में आ रही है। नीचे वाली लाइन पढ़ते हैं, क्लैरिटी एक लेवल और बढ़ेगी। हाउएवर दिस डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो कैन नॉट बी अप्लाइड इन द रिवर्स डायरेक्शन, उल्टी डायरेक्शन में इसको अप्लाई नहीं करना। टू मेक द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी विकेरियसली लायबल, विकेरियसली लायबल बनाने के लिए फॉर द ऑफेंसेस कमिटेड बाय द कंपनी इन द एब्सेंस ऑफ स्टैट्यूटरी प्रोविजन। कंपनी ने कुछ गलत काम किया तो डायरेक्टर्स को लायबल नहीं बनाया जाएगा। अब एक चीज मैं क्वेश्चन पूछूंगा, जवाब आप देंगे, और उसके बाद आई लुक इन टू द लाइव चैट कि आप सही आंसर दे रहे हो या नहीं दे रहे हो, और अगर नहीं दोगे तो फिर मैं ये लाइव चैट, ये वीडियो यहीं बंद कर दूंगा। आई विल स्टॉप द वीडियो, आई विल विड्रॉ फ्रॉम यूट्यूब। मैं यहीं बंद ही कर दूंगा, आगे वाला आपको 1.5 आवर नहीं मिलने वाला फिर उस केस में। तो धमकी दे रहा हूं, आंसर देना लाइव चैट में, येस और नो में ही बताना। अब कंपनी के अंदर एक मैनेजिंग डायरेक्टर है, एक होल टाइम डायरेक्टर और 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर है, जो साल में 4 बोर्ड मीटिंग करने आते हैं बस, लेकिन उनकी चलती कुछ नहीं है। हाँ, डिसीजन मेकिंग के टाइम पे, रेजोल्यूशन मेकिंग के टाइम पे वो बीच में शो ऑफ हैंड्स में, वन हैंड वन वोट सबका होता है, एमडी का, पार्ट टाइम डायरेक्टर का, सबका बराबर, लेकिन डे टू डे बेसिस पे कंट्रोल तो एमडी का, और एमडी इज होल्डिंग 70% शेयर्स ऑफ द कंपनी ऑल्सो, चलती उसी की है, बाकी सब लोग तो आकर हाँ 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 करते हैं बस सामने। ये सिचुएशन है कंपनी की। अब इस केस के अंदर नाउ द पॉइंट इज, मैनेजिंग डायरेक्टर ने, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ने मिलकर कंपनी में गिल्टी माइंड से कोई काम किया। अब अगर उन्होंने गिल्टी माइंड से कोई काम किया तो कंपनी लायबल है, ओवरऑल कंपनी लायबल है, मतलब कोई फ्रॉड किया और फिर बेसिकली अब वो जो फ्रॉड कर रहे हैं, आप ऐसे कह लो कि कंपनी इज कमिटिंग द फ्रॉड विद द डिपॉजिटर्स जिन्होंने कंपनी को पैसा दिया था, बिकॉज ऑफ द एमडी, बिकॉज ऑफ द एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का जो गिल्टी माइंड है मेंस रिया। सवाल ये है, क्या जो बाकी 5 डायरेक्टर हैं क्या वो लायबल होंगे, और क्या वो जो लाखों डिपॉजिटर्स हैं क्या वो ये बोलेंगे कि हमने कंपनी को पैसा दिया था, तो ये सातों के सातों डायरेक्टर, एक एमडी, एक एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर और पांचों के पांचों पार्ट टाइम डायरेक्टर सारे लायबल हैं, या 5 पार्ट टाइम डायरेक्टर में कोई इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी है वो भी लायबल है, क्योंकि ये सारे हैं तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, सबने मिलजुल कर ही फ्रॉड किया होगा, ये प्रज्यूम कर सकते हैं। क्या हम ये कह सकते हैं कि कंपनी की मेंस रिया जो है वो बाकी 5 डायरेक्टर्स की मेंस रिया है? क्या हम ये बोल सकते हैं कि वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स की मेंस रिया है? नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स भी मेंस रिया है, पार्ट टाइम डायरेक्टर भी मेंस रिया है और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर भी मेंस रिया है, क्या ये हम ऑटोमेटिकली मान लें? या उनमें से अगर कोई प्रूव हो गया, एक्चुअली किसी को प्रूव कर दिया गया कि इनमें से कोई एक इन एमडी और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स के साथ मिला जुला है, फैमिली मेंबर ही है उनका, कहने के लिए पार्ट टाइम डायरेक्टर लेकिन फैमिली मेंबर है, उनके साथ ही मिला हुआ है, इसलिए ये एक पर्टिकुलर नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मेंस रिया है जो इनके साथ मिला हुआ है, और बोर्ड मीटिंग में ये भी इनके साथ बढ़ चढ़कर बोल रहा था बहुत ज्यादा, अगर मिनट्स में वो बात लिखी हुई, अगर कैसे भी प्रूव हो जाए सिर्फ उसको मानेंगे, ऑल 5 are deemed टू बी मेंस रिया, या 1 who is proven एज एक्चुअली मेंस रिया विल बाय एविडेंसेस सिर्फ उसको मानेंगे, या ऑल 5 को प्रज्यूम कर लिया जाए? दैट्स अ क्वेश्चन। एमडी की मेंस रिया है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर की मेंस रिया है, उसकी वजह से कंपनी की मेंस रिया है, ये फर्स्ट पैरा है। सेकंड पैरा, हाँ जी, एंड दैट इज, आई होप यू आर गिविंग द आंसर्स इन द लाइव चैट, ऑल ऑफ यू, सबने दिया आंसर, अदरवाइज रिवर्स डायरेक्शन में काम नहीं करेंगे। कंपनी एमडी और ईडी की मेंस रिया कंपनी की मेंस रिया है, लेकिन कंपनी की मेंस रिया जो है वो बाकी 5 नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की, पार्ट टाइम डायरेक्टर्स की मेंस रिया नहीं मानी जाएगी। So this is what Supreme Court is trying to say regarding the alter ego. एक डायरेक्शन में काम करना, दूसरी डायरेक्शन में काम नहीं करना। एक चीज और, बेचारा कंपनी सेक्रेटरी, उसकी बात कर लेते हैं वन लास्ट क्वेश्चन, तो क्लैरिटी और बढ़ जाएगी। क्या कंपनी सेक्रेटरी को भी मान ली जाएगी, उसकी भी मेंस रिया है, ऑटोमेटिकली प्रज्यूम कर लिया जाए कि अगर मैनेजिंग डायरेक्टर और ईडी की मेंस रिया है और उसकी वजह से कंपनी की मेंस रिया है, तो अगर कंपनी की मेंस रिया है तो कंपनी सेक्रेटरी तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट होता ही है, तो उसकी भी ऑटोमेटिकली मेंस रिया होगी प्रज्यूम कर लिया जाए। ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में तो आता है ना बेचारा, ऑफिसर इन डिफॉल्ट है ना, तो ऑटोमेटिकली मेंस रिया है, और पूरे कंपनी लॉ में हर जगह लिखा ही होता है ना, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लायबल, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लायबल, ऑफिसर इन डिफॉल्ट इज लायबल, तो ऑफिसर इन डिफॉल्ट की डेफिनेशन में Section 2 Clause 60 में तो कंपनी सेक्रेटरी आता ही है। की मैनेजरियल पर्सन, पर्सनल होना, आप सोचो सोचो
दिल तो कह रहा है नो सर नो सर नो सर नो सर, ऐसे कैसे मान लोगे सर, 50,000 करोड़ का फ्रॉड हुआ है सर, ऐसे कैसे मान लोगे। तो क्या कंपनी सेक्रेटरी के लिए बोले, ही इज इन द कंट्रोल ऑफ अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ही इज इन द कंट्रोलिंग द अफेयर्स ऑफ द कंपनी। वो तो जब कोर्ट में जाकर मुंह लटका कर खड़ा हो जाएगा ना मैनेजिंग डायरेक्टर और ईडी के साथ, तो सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जो जज है वो कहेगा, कहेंगे जो लॉ में लिखा है वो गया भाड़ में, ये जो सामने एमडी और ईडी दिख रही है ना राक्षस है, रावण और मेघनाथ या कुंभकर्ण तो यही है मैनेजिंग डायरेक्टर चेयरमैन और ईडी, ये कंपनी सेक्रेटरी बेचारा ये तो विभीषण है लंका ढाने वाला, यही तो आया कोर्ट में एक एक चीज कह रहा है। मैं खोल खोल के बताता हूँ सब कुछ, आप करो अटैक इनके ऊपर, इनको जेल ले जाओ, मैं बताता हूँ ना कोर्ट को सब कुछ। तो और मैं बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं था, मैंने बहुत मना किया था रोका था कि मत करो। तो बट आई विल से क्या हम कह सकते हैं, जज साहब अपने वहां पर कॉमन सेंस भी जरूर यूज करेंगे कोर्ट में, चाहे एक बार लॉ में लिखा भी हो ऑफिसर इन डिफॉल्ट इंक्लूडिंग इंक्लूड्स कंपनी सेक्रेटरी, और एक बार को समन भी आ जाए कोर्ट में अपियर होने के लिए भी पहुंच जाए, लेकिन जज साहब कहेंगे क्या आंखों में आंसू लेकर बेचारा खड़ा है, लंबे लंबे आंसू बहा रहा है, मुंह लटकाया हुआ है, ये कहां मेंसरिया है, ये तो दूसरों के चलाने से चल रहा है, ये कहां कंपनी को चला रहा है और ये कहां कंपनी को कंट्रोल कर रहा है। ऑल एम्प्लॉइज आर नॉट मेंसरिया, ऑल एम्प्लॉइज आर नॉट मेंसरिया, ऑल ऑफिसर्स आर नॉट मेंसरिया, ये देखना पड़ेगा कंट्रोल किसके हाथ में है। सुप्रीम कोर्ट ना सिर्फ लॉ के रिटन वर्ड पे नहीं जाता है, सिचुएशन को जरूर देखता है, प्रैक्टिकल सिचुएशन, और वो कंपनी टू कंपनी ना वेरी करेगी, कंपनी टू कंपनी। हो सकता है किसी कंपनी में कंपनी सेक्रेटरी भी बिल्कुल बाकी जो फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स है उनके साथ मिलकर एक ही थैली का चट्टा पट्टा और उनको फ्रॉड करने की गाइडेंस देता हो, सर मैं बताता हूँ ये वाला फ्रॉड ना इस तरीके से करेंगे ना पकड़ में नहीं आएंगे, लेकिन आ गया पकड़ में, अब तो उनके साथ मिलकर ही चल रहा था ना फ्रॉड करने में, तो क्या वहां पर पकड़ में आएगा, आएगा। तो क्या कोर्ट केस टू केस बेसिस पे बाय फैक्ट्स ऑफ द केस सिचुएशन ऑफ द केस चेक करेगा, आंसर इज यस व्हाइल अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन ऑफ अल्टर ईगो। लेकिन क्लियर है आपको अब जो सामने लिखा है, नाउ आई कैन मूव ऑन फर्दर एंड क्वेश्चन नंबर वन, छोटा सा क्वेश्चन है, स्पेशल एक्ट इंश्योरेंस कंपनीज इन द इंश्योरेंस एक्ट 1938, मैंने एग्जाम्पल लिया था HDFC लाइफ इंश्योरेंस सेक्शन 1 ऑफ द कंपनीज एक्ट सबसेक्शन 4, और हम कहते हैं ये कंपनीज एक्ट 2013 कहाँ अप्लाई होगा और कहाँ नहीं होगा, नंबर 1 इंश्योरेंस कंपनीज, नंबर 2 बैंकिंग कंपनीज, नंबर 3 इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज। इंश्योरेंस कंपनीज में नाम SBI लाइफ इंश्योरेंस, ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस, HDFC लाइफ इंश्योरेंस, इनके कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहते हो आप इसमें से किसी कंपनी के, सर जरूर बनना चाहते हैं। बैंकिंग कंपनीज पहले पढ़ तो लो, ICICI बैंक ध्यान से पढ़ना है, ICICI बैंक, HDFC बैंक और वट एवर अदर बैंक्स एटसेट्रा एटसेट्रा, दे आर कंपनीज इन द कंपनीज एक्ट बट दे आर ऑल्सो गवर्न बाय द वेल बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949। इलेक्ट्रिसिटी कंपनी, वेल दैट इज टाटा पावर, BSES, यमुना पावर, इनमें से किसी कंपनी का कंपनी सेक्रेटरी बनना चाहोगे आप, अगर बनना चाहोगे तो ये प्रोविजन आना चाहिए सेक्शन 1, वेरी इंपॉर्टेंट, वरना मार खाओगे रियल लाइफ में, बोर्ड ऑफ डायरेक्ट बोर्ड मीटिंग में तो ऐसी तैसी हो जाएगी। एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, एनी अदर कंपनी गवर्न बाय एनी स्पेशल एक्ट, तो मैं कहूंगा टेलीकॉम कंपनीज गवर्न बाय द TRAI रेगुलेशन एंड ऑल दैट, एयरटेल वगैरह जो भी उनके टेलीकम्युनिकेशन एक्ट है, टेलीकॉम एक्ट में गवर्न हो रही है, टेलीकम्युनिकेशन एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, वट एवर इज एप्लीकेबल टू देम, तो गवर्न बाय स्पेशल एक्ट। फिर हम कह रहे हैं वेल, और बीच में हर जगह लिखा है एक्सेप्टेंस ऑफ आर एज, अब उतना मैं डिटेल में वर्ड टू वर्ड नहीं समझाऊंगा आज, वेल ऑब्वियसली उतना टाइम भी नहीं है जो हम रेगुलर बैच में लगाते हैं। देन लास्ट में बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड अंडर द एक्ट, अब गवर्न नहीं है यहां पर है इनकॉर्पोरेटेड, ऊपर था गवर्न गवर्न गवर्न, तो गवर्न बाय द प्रोविजन ऑफ द स्पेसिफिक एक्ट, यहां पर तो इनकॉर्पोरेटेड अंडर द स्पेशल प्रोविजन ऑफ द एक्ट एज मे बी नोटिफाइड बाय CG इन दिस बिहाफ, लेकिन उसको CG नोटिफाई करेगा, MCA बताएगा कि कौन सी कंपनी है। और इन सबके लिए क्या बोल रहे हैं, इन सबको वेल, और कंपनीज अंडर दिस एक्ट तो है ही, कंपनीज एक्ट 2013 और प्रीवियस कंपनीज एक्ट 1956 और अर्लियर कंपनीज एक्ट वो तो है ही, हम कह रहे हैं इन सबको कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होता है, लेकिन जहां जहां स्पेशल एक्ट कंपनीज एक्ट के साथ कॉन्ट्राडिक्ट करेगा स्पेशल एक्ट विल प्रिवेल ओवर द कंपनीज एक्ट। सो इफ यू आर द कंपनी सेक्रेटरी ऑफ ICICI बैंक लिमिटेड, प्रज्यूम कर लो एक मिनट के लिए, और कुछ मैटर ऐसे हैं जो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में भी है और कंपनीज एक्ट में भी है, आपस में कॉन्ट्राडिक्शन है,
तो फॉलो बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, डोंट फॉलो कंपनीज एक्ट ऑन दोज मैटर जहां पर दोनों एक्ट्स में कॉन्ट्रडिक्शन है. अब ऐसे बहुत सारे मैटर हैं जो कंपनी लॉ में है और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट में है ही नहीं, तो फॉलो वेल इन दैट केस द वेल कंपनीज एक्ट 2013 एंड देन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो साइलेंट है उस मैटर के ऊपर, तो कोई दिक्कत ही नहीं है. तो पूरा कंपनीज एक्ट 2013 तो फॉलो करना ही है आपको अगर आप कंपनी सेक्रेटरी हो आईसीए से बैंक लिमिटेड के. लेकिन जिन जिन मैटर्स में जैसे रिजर्व्स क्रिएट करने होते हैं बैंक को, वेल यू नो दैट बैंक्स को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की डायरेक्शन के हिसाब से अलग से रिजर्व्स क्रिएट करके रखने पड़ते हैं, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो और व्हाटएवर यू नो दैट ऑल दैट कैश रिजर्व रेशियो. अगर वो कहीं कॉन्ट्राडिक्ट कर रहा है कंपनीज एक्ट किसी प्रोविजन के साथ, कहीं भी कुछ भी कॉन्ट्राडिक्शन है, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट फॉलो करना, वहां उस कॉन्ट्राडिक्टरी प्रोविजन में कंपनीज एक्ट फॉलो मत करना. सेम फॉर इंश्योरेंस कंपनी, सेम फॉर इलेक्ट्रिसिटी कंपनीज. नाउ मूविंग ऑन फर्दर, क्वेश्चन नंबर टू. कंपनीज एक्ट में हमको सबको मालूम है सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज नॉर्मल चलता है पूरे कंपनी लॉ में इस तरीके से. फिर अगर सब क्लॉज के बाद कुछ आ जाता है तो पैरा सब पैरा पढ़ देते हैं उसको. तो सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज पैरा सब पैरा, हिंदी में धारा उपधारा ऐसे ही बोलते हैं. वेल सेक्शन सब सेक्शन को फिर वो वेल अनुच्छेद उपअनुच्छेद जो भी चलता है वाक्य उपवाक्य दैट इज हाउ. और कंपनी को बोलते हैं कंपनीज एक्ट को बोलते हैं अधिनियम, कंपनी अधिनियम 2013. डेफिनेशंस में कंपनी लॉ में बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 20 कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 6 एसोसिएट कंपनी, सेक्शन 2 क्लॉज 51 केएमपी की मैनेजरियल पर्सन. अब बहुत ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए मुद्दे की बात पे आता हूं. सेक्शन 2 में यहां जहां सेक्शन 2 लिखा है इसके आगे ना इंग्लिश लैंग्वेज में एक लाइन लिखी है इन दिस एक्ट अनलेस द कॉन्टेक्स्ट अदरवाइज प्रोवाइड, यहां सब सेक्शन 1 यहां नहीं दिया. और ये इंग्लिश लैंग्वेज वाली लाइन खत्म होने के बाद यहां जब नंबर 1 दिया है ना सीरियल नंबर 1 तो उसको बोलते हैं क्लॉज, उसको बोलते हैं क्लॉज. जिंदगी भर याद कर लेना नहीं तो थप्पड़ मारूंगा गेंज के, सही बता रहा हूं, आगे से गलती मत करना. जब इंग्लिश की लाइन पहले आती है और नंबर 1 न्यूमरल बाद में आता है तो उसको क्या बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज 1 क्लॉज 2 क्लॉज 3 शुरू हो गया, ये क्लॉज 2 क्लॉज 3 क्लॉज 4 क्लॉज 5 क्लॉज 6. अगर ऐसी सेक्शन 36 है कंपनीज एक्ट का वो प्रॉस्पेक्टस के चैप्टर में तो उसमें तो 1 2 3 सीरियल नंबर ही नहीं है, एबीसी आता है तो उसको भी बोलते हैं सेक्शन 36 क्लॉज एबीसी. सेक्शन 61 में आप देखो अब कंपनीज एक्ट की बात कर रहा हूं, सेक्शन 61 में सब सेक्शन 1 कहां लिखा है, लाइन इंग्लिश वाली लाइन शुरू होने से पहले या इंग्लिश वाली लाइन शुरू होने के बाद, इंग्लिश में जो टेक्स्ट फॉर्म में लाइन लिखी गई है उससे पहले, तो इसको बोलते हैं सब सेक्शन 1 और नीचे क्लॉज ए क्लॉज बी क्लॉज सी क्लॉज डी क्लॉज ई और बीच में प्रोवाइजो प्रोवाइडेड दैट एंड ऑल दैट. तो सेक्शन 2 में और सेक्शन 61 में फर्क कहां दिख रहा है, कुछ समझ में आ रहा है या अंधे हो, क्या बोलूं अब. कई लोग तो अपने आप को क्लेम करते हैं हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं, गलत पढ़ा रहे हैं 15 साल से चलो, और फिर बड़े घमंड है उनको कि हम 15 साल से पढ़ा रहे हैं गलत पढ़ा रहे हैं और आज तक किसी ने हमारी गलती नहीं बताई, ये भी घमंड है उनको अपना. सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 पता नहीं कैसे कैसे तो टीचर है मैं तो स्टूडेंट्स का तो क्या हाल बोलूं, स्टूडेंट तो बेचारों को पता ही नहीं होती ये बातें. सेक्शन 2 क्लॉज अगर यहां पर 1 लिखा होता तो बोलते हैं 2 के साथ अगर डॉट लगाकर 1 होता और फिर इंग्लिश आती तो बोलते सेक्शन 2 सब सेक्शन 1 और फिर नीचे क्लॉजेज होते. अगर सेक्शन 2 के साथ डायरेक्ट इंग्लिश टेक्स्ट आ गया है सुन लो ध्यान से और उसके नीचे 1 2 3 शुरू हो रहा है 1 2 3 4 5 अब बोलते हैं सेक्शन 2 क्लॉज. ऐसे सेक्शन 36 में टेक्स्ट है ही नहीं, नीचे सीधा टेक्स्ट आ गया, सीधा टेक्स्ट आ गया 1 2 3 नंबरिंग ही नहीं है और नीचे एबीसी आएगा तो उसको सबसेक्शन एबीसी नहीं बोलेंगे क्लॉज एबीसी बोलेंगे. सेक्शन 61 ऑफ कंपनीज एक्ट में क्या करते हैं, सेक्शन 61 में और कोई भी सेक्शन उठाकर देखना पूरा कंपनीज एक्ट बेयर एक्ट से देखना, बेयर एक्ट से तभी अक्ल आएगी नहीं तो कोई भी टीचर तुम्हारा क्या बोलूं वो डैश बना देगा तुम्हारा, वर्ड जो है बोलना नहीं चाहता बड़ा बुरा वर्ड है, समझ गए आप लोग कि वो टीचर तुम्हारा क्या काट रहे हैं तुम्हारा क्या बना रहे हैं डैश डैश डैश. सेक्शन 61 में उसके आगे यहां पर डॉट लगाकर 1 है उसके बाद इंग्लिश टेक्स्ट आता है तो बोलते हैं सेक्शन 61 सबसेक्शन 1 और नीचे आता है एबीसीडीई तो उसको बोलते हैं क्लॉज क्लॉज क्लॉज. लॉ मेकर का लॉ लिखने का एक पैटर्न है जो लॉ लिखता है सेक्शन. और अब देखो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट सेक्शन 2 के ऊपर फोकस कर रहा हूं, सेक्शन 2 डेफिनेशन कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986 जो हम लोग बचपन से पढ़ रहे थे और आप लोग ने भी शायद स्कूल टाइम में पढ़ा होगा कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986. नहीं पढ़ा था झूठ मत बोलना, बिजनेस स्टडीज में था देन आई विल से. तो बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा था सर, ये तो सच है बेयर एक्ट से नहीं पढ़ा था, आप मासूम बच्चे हो. वो टीचर ही मैं कहूंगा जो 15-15 साल से गलत पढ़ा रहे हैं 11-11 साल से गलत पढ़ा रहे हैं पता नहीं सीएस के स्टूडेंट्स की तो जिंदगी बर्बाद कर देंगे. देन सेक्शन 2 डेफिनेशंस और टेक्स्ट बाद में आया, इंग्लिश टेक्स्ट बाद में आया, सब सेक्शन 1 पहले आया. अब ये क्लॉज 1 है सेक्शन 2 क्लॉज 1 है सेक्शन 2 क्लॉज 1 है ये
गलत बोला थप्पड़ मारूंगा, लाइव चैट में बताओ ये क्या है, क्लॉज वन है या सबसेक्शन वन है? सेक्शन टू सबसेक्शन वन, डेफिनेशन है यार, सेक्शन टू सबसेक्शन वन क्लॉज सी, लिख के बता रहा हूं लिख के, ताकि ऐसा ना हो बाद में कहो जी समझ नहीं आया। और ये नीचे जो क्लॉज ए है ये अप्रोप्रिएट लेबोरेटरी है, ये है क्लॉज ए, और उसके नीचे जो वन टू थ्री है वो है सब क्लॉज, ये क्लॉज है ये सबसेक्शन है, और ये सेक्शन टू डेफिनेशंस हैं। सर हमें तो पहले पता ही नहीं था, हम तो मासूम बच्चे। ओ लेकिन जो 11 11 साल से गलत पढ़ा रहे हैं उनका क्या करूं, मेरे को तो समझ नहीं आता, फांसी लगा दूं उनको, उनके बच्चे जाकर कहीं कोर्ट में जाकर क्या बोलूं, कहीं बहस कर रहे होंगे, कोर्ट में तो नहीं छोड़ो कहीं पर भी, तो मतलब गलत ही बोल रहे होंगे जो 11 साल में गलत पढ़ाया, आगे भी गलत कम्युनिकेट हो गया हजारों बच्चों को पता नहीं, और यूट्यूब पे तो हजारों बच्चों को हो ही रहा है, 11 साल में वन ही हुआ, अब तो यूट्यूब तो गलत तसल्ली से कम्युनिकेट हो रहा है। तो भाई ये सही है और इसको कम्युनिकेट करना आगे अपने सारे फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, नहीं तो वो गलत टीचर्स जो गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं गलत ही चलता रहेगा। हमारा काम है साथ साथ वो कचरे को सफाई करना, स्वच्छ भारत अभियान, स्वच्छ भारत अभियान कर रहे हैं हम लोग। टीचर्स तो मैं सही बता रहा हूँ, वेल घमंड है उनको अपने ऊपर, वी आर गॉड, भगवान है। यहाँ तो मैं तो स्टूडेंट हूँ कंपनी लॉ का, मेरे को तो फिर भी कंपनी लॉ पढ़ना सही से आता है, लेकिन सही से आता है बस, और सही से दूसरों के साथ शेयर करना भी आता है, चीटिंग नहीं करता मैं। अगर आप दिल से चीटिंग कर रहे हो, वो टीचर्स को बोल रहा हूँ, जो टीचर्स दिल से ही सोच रहे हैं गलत पढ़ा दो तो भाई, और अगर आता खुद को ही नहीं आता तो फिर टीचर किस बात के हो, मतलब दोनों बातें हैं, या तो जानबूझ के गलत पढ़ा रहे हैं या खुद को आता ही नहीं है इसलिए गलत पढ़ा रहे हैं, दो ही चीजें हो सकती हैं, तीसरी चीज तो कोई है नहीं। और बेरक तो बेरक की बातें करते हैं सिर्फ मुंह से, बेरक बेरक क्या बोलूं, सेक्शन टू ही नहीं आता, सेक्शन थ्री ए ही नहीं आता, इंटरप्रेट करना ही नहीं आता। व्हाट इज सेक्शन 3A? अगला आ गया, कंपनी लॉ की शुरुआत है, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी है, सेक्शन 2 की इंटरप्रिटेशन, सेक्शन 2 बोलना ठीक से नहीं आता, सेक्शन 2 के अंदर जो डेफिनेशन है उनकी इंटरप्रिटेशन नहीं आती ठीक से करनी, और यूट्यूब चैनल पे बैठे हैं और गलत गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, अभी अभी प्रूव कर दूंगा, अभी प्रूव कर दूंगा, सेक्शन 3A की इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हैं, अभी प्रूव कर दूंगा 10 मिनट के अंदर, सब कुछ यही प्रूव हो जाएगा कि आप लोगों ने कहां कहां क्या क्या कचरा समेट लिया अपने दिमाग में, और एग्जाम में वही गलत लिख कर आओगे और फेल हो जाओगे, और अपने आप को कोसोगे गलती तो हमारी है, पता ही नहीं होगा टीचर ने गलत पढ़ाया था, वो पेपर चेकर तो फिर भी समझदार है जिसने पेपर चेक किया। अनलिमिटेड लायबिलिटी सेक्शन 3A क्या है, व्हाट इज सेक्शन 3A? अब इस क्वेश्चन को दो पार्ट्स में तोड़ दिया, पहली लाइन ध्यान से पढ़ना, इफ एनी मेंबर्स, इफ एट एनी टाइम द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी इज रिड्यूस्ड, एवरी सिंगल वर्ड इज इंपॉर्टेंट, लॉ मेकर ना सोच सोच के लिखता है एक एक शब्द, कोई भी एक शब्द बेवजह नहीं लिखता, कोई भी एक शब्द बेवजह नहीं लिखता, दिस इज फर्स्ट प्रेजम्पशन वी ऑलवेज टेक। If at any time the number of members of a company is reduced, maybe public company, maybe private company, in case of public company below 7, in case of a private company below 2, चलो इसको थोड़ा सा और open कर देता हूँ। If at any time the number of members of the company is reduced, अब मैं गुस्सा थूक देता हूँ, आग थू, टीचर्स के चक्कर में, गलत टीचर्स के चक्कर में हम अपना नुकसान क्यों करें, आग थू, shame on those teachers, आग थू, चलो अब शांति से पढ़ते हैं। If at any time the number of members of the company is reduced, अगर कभी भी reduce हुआ है, then I'll say, और reduce होने का मतलब क्या, पहले 7 से ज्यादा थे, 7 या 7 से ज्यादा थे, in case of a public company below 7, in case of a private company below 2, and the company carries on the business for more than 6 months, exact 6 months नहीं, more than 6 months, while the number of members is so reduced, जब वो 7 से नीचे है या 2 से नीचे है, लेकिन पहले कभी 7 थे, पहले कभी 2 थे, ये तो लॉ मेकर प्रज्यूम कर रहा है फर्स्ट लाइन में, ये रिड्यूस्ड वर्ड ही तो मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है जो सबसे ऊपर ऊपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, की वर्ड ऑफ द होल सेक्शन, और ये बिजनेस वो 6 मेंबर रह गए, एक रह गया और बिजनेस कंटिन्यूड है, एवरी पर्सन हु इज अ मेंबर ऑफ द कंपनी, अब ये 6 या ये 1 एज द केस में भी, ड्यूरिंग दैट टाइम मतलब मोर देन 6 मंथ्स, when it so carries on the business after those six months, तो जो लोग member हैं कब, 6 महीने के बीच में या 6 महीने के बाद, 6 महीने के बाद, after those 6 months, who is presently member after those 6 months,
जोड़ जोड़ के पढ़ना पड़ता लॉ, एंड इज कॉग्निजेंट अवेयर, और उसको पता भी है कि हम छह रह गए हैं या हम सिर्फ एक ही बचा हूं, मे बी वो जो सातवां था उसकी डेथ हो गई और उसके शेयर्स बाकी छह के पास ही आ गए, उन्हीं में बढ़ गए, उन छह में से किसी एक दो को मिल गए जो उसके लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, उसकी फैमिली मेंबर है, इसलिए वो सात से छह रह गए. एंड कंपनी कैरीज ऑन द बिजनेस विद लेस देन सिक्स, विद लेस देन सेवन और लेस देन टू मेंबर्स एज द केस में भी, और उसको मालूम है, वो कॉग्निजेंट है, अवेयर है, जो मेंबर्स अवेयर हैं उनकी सेवरल लाइबिलिटी भी होगी फॉर द पेमेंट ऑफ द होल डेट्स ऑफ द कंपनी, इनफाइनाइट अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी होगी टू रीपे द डेट्स ऑफ द कंपनी इनकर ड्यूरिंग दैट टाइम. दैट टाइम का मतलब ड्यूरिंग सिक्स मंथ्स या आफ्टर सिक्स मंथ्स, ये भी इंटरप्रिटेशन चाहिए. आफ्टर सिक्स मंथ्स, पहले छह महीने में जो लाइबिलिटी इनकर की है उसके लिए नहीं, उसके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी. कौन से वाले डेट्स? होल डेट्स विच आर कॉन्ट्रैक्टेड बाय द कंपनी ड्यूरिंग दैट टाइम, मतलब आफ्टर सिक्स मंथ्स, मतलब छह महीने के अंदर कंपनी ने जो जो लोन लिए उनके लिए अनलिमिटेड लाइबिलिटी नहीं होगी, छह महीने खत्म होने के बाद जिन जो लोन लिए वो उनके लिए लाइबिलिटी अनलिमिटेड होगी. और छह मेंबर हैं पब्लिक कंपनी में, छह में से चार अवेयर हैं कि नंबर ऑफ मेंबर इज रिड्यूस्ड बिलो सेवन, दो अवेयर नहीं है, मान लो इंडिया के बाहर हैं फॉर व्हाटएवर रीजन अवेयर नहीं है, तो उन दोनों की लाइबिलिटी छह महीने के बाद वाले डेट्स के लिए भी अनलिमिटेड नहीं होगी. अब मैं इससे ज्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊंगा, अभी आज नहीं जाऊंगा, लेकिन समझ में आ गया. मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड आई वॉन्ट टू विल टॉक अबाउट इज रिड्यूस्ड, और इसके ऊपर एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं बात करूंगा. एग्जामिनेशन क्वेश्चन हमारी ऑब्वियसली वेब सीरीज में आएगा, वेट फॉर दैट, उसकी इंतजार करो, मैं आऊंगा दोबारा इस टॉपिक के ऊपर भी. अब मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है, वेदर सेक्शन 3A इज एप्लीकेबल टू अ प्राइवेट कंपनी विच हैज नाउ बिकम सब्सिडरी कंपनी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इफ सच कंपनी डज नॉट इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू सेवन. पहले प्राइवेट कंपनी थी, सिर्फ दो मेंबर थे जब पैदा हुई थी, प्राइवेट कंपनी थी, दो मेंबर थे. सेक्शन 3 में लिखा हुआ है, सेक्शन 3 के अंदर लिखा हुआ है, एवरी प्राइवेट कंपनी मस्ट हैव टू सब्सक्राइबर्स, एवरी पब्लिक कंपनी हैज मस्ट हैव थ्री सब्सक्राइबर्स, सॉरी सेवन सब्सक्राइबर्स. प्राइवेट कंपनी मिनिमम टू सब्सक्राइबर्स, पब्लिक कंपनी मिनिमम सेवन सब्सक्राइबर्स, ओपीसी कंपनी ओनली वन सब्सक्राइबर. और सेक्शन 4 कॉन्टेंट्स ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में जहां वो कैपिटल क्लॉज दिया हुआ है, उस कैपिटल क्लॉज में एक लाइन लिखी है, एवरी सब्सक्राइबर हैज टू टेक वन शेयर ईच, अगर कंपनी में शेयर कैपिटल है तो, अगर कंपनी शेयर कैपिटल वाली है तो. अगर कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल है तो फिर कंपनी में जीरो पेड अप कैपिटल है, जीरो ऑथराइज कैपिटल है, कंपनी इज लिमिटेड बाय गारंटी नॉट हैविंग शेयर कैपिटल, तो जीरो कैपिटल वाली कंपनी हो गई. समझ में आई? लेकिन हम तो बात कर रहे हैं, मान लो शेयर कैपिटल वाली कंपनी है तो कंपनी इज लिमिटेड बाय शेयर्स और लिमिटेड बाय गारंटी हैविंग शेयर कैपिटल. अब इस केस में तो प्राइवेट कंपनी सब्सक्राइबर्स टू सब्सक्राइबर्स दोनों ने एक एक शेयर लिया एंड दोनों दो मेंबर हैं कंपनी के, हो गया. सेक्शन 3 इज एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, सब्सक्राइबर्स की बात करता है, बाद के लिए फ्यूचर के लिए नहीं है. लेकिन हम प्रेजम्पशन पे चलते हैं कि जितने शुरू में मिनिमम लॉ मेकर कह रहा है ना, कंपनी को टिल वाइंडिंग अप उतने मिनिमम तो मेंटेन करने हैं, कंपलसरी है, मैंडेटरी है, ये प्रेज्यूम्ड है, ये प्रेजम्पशन पे है, लीगल प्रेजम्पशन पे, कि लॉ मेकर ने अगर मिनिमम शुरुआत इतने से करवाई है तो फ्यूचर में ऐसा आप अपनी मर्जी से नहीं करोगे, सात से छह कर लो, नहीं तो वैसे भी सेक्शन 3A अप्लाई हो जाएगा. अगर शुरू में पब्लिक कंपनी बनाई, सात मेंबर हैं और बाद में सात से छह हो गए तो सेक्शन 3A अप्लाई हो जाएगा. वो तो सेक्शन 3A भी उस बात को सपोर्ट करता ही है, दैट इज देयर. लेकिन यहाँ तो सिचुएशन कुछ और है. यहाँ सिचुएशन क्या है? प्राइवेट कंपनी पैदा हुई, इनकॉर्पोरेट हुई, उसके बाद दो सब्सक्राइबर्स थे एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन, वही दोनों दो मेंबर भी बन गए, दोनों ने एक एक शेयर ले लिया या ज्यादा, व्हाटएवर. अब छह महीने बाद, एक साल बाद, दो साल बाद, इट हैज बिकम सब्सिडरी ऑफ पब्लिक कंपनी, किसी पब्लिक कंपनी ने आकर इसके मेजोरिटी शेयर्स, वोटिंग राइट्स एक्वायर कर लिए, दैट्स इट. और मेजोरिटी वोटिंग राइट्स, मेजोरिटी शेयर्स एक्वायर कर लिए तो हो गया होल्डिंग सब्सिडरी रिलेशनशिप, वो आप लोगों को ऑलरेडी मालूम है. मैं प्रिज्यूम करके चल रहा हूँ, सेक्शन 2 क्लॉज 46, सेक्शन 2 क्लॉज 87, वो जो भी होल्डिंग सब्सिडरी के क्लॉज हैं वो सब आपको पता है ऑलरेडी. दो घंटे का पूरा वीडियो दिया हुआ है मैंने यूट्यूब के ऊपर, इसलिए नहीं पता है तो बहुत अच्छे से देख लेना, सेक्शन 2 क्लॉज 87, सेक्शन 2 क्लॉज 46 अच्छे से देख लेना, दो घंटे का सुपर एनालिसिस है विद मैनी 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 एग्जाम्पल्स. और उसमें ऐसा भी हिडन लास्ट में बहुत कुछ है जो आपने पहले कहीं ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल पे कहीं भी नहीं देखा होगा, एंड पार्ट में ऐसा भी कुछ बहुत स्पेशल है वहां पर. देन सो सेक्शन 3A इज एप्लीकेबल टू प्राइवेट कंपनी विच इज नो, वेदर इट इज एप्लीकेबल और नॉट, तो आंसर इज नो, एप्लीकेबल नहीं है. सेक्शन 3A क्यों एप्लीकेबल नहीं है? अब प्राइवेट कंपनी है, दो मेंबर से सात नहीं कर रही है, दो से पांच कर रही है, दो से सात नहीं कर रही है, लेकिन एप्लीकेबल नहीं है. क्योंकि कब एप्लीकेबल होता है? कब एप्लीकेबल होता है? हाँ जी, वी से सेक्शन 3A शेल नॉट अप्लाई इन दिस केस टू दैट प्राइवेट कंपनी विच इज हैविंग लेस देन सेवन मेंबर्स.
और लेट अस से हैविंग ओनली टू मेंबर्स, हैविंग टू मेंबर्स विच हैज बिकम सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी लेटर ऑन एंड डज नॉट इंक्रीज इट्स नंबर ऑफ मेंबर्स टू सेवन बिकॉज सेक्शन 3A डील्स विद अ डिफरेंट सिचुएशन ऑल टुगेदर. सेक्शन 3A में तो क्या है, सेक्शन 3A डील्स विद अ सिचुएशन इन विच पब्लिक कंपनी वॉज इनिशियली ऑलरेडी हैविंग सेवन और मोर मेंबर्स. पैदा ही पब्लिक कंपनी हुई थी, पैदा ही पब्लिक कंपनी हुई थी इन कॉर्पोरेशन के टाइम पे और उस वक्त सात थे, बट लेटर ऑन द मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर डिक्रीज्ड और रिड्यूस्ड, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, बिलो सेवन ड्यू टू सम रीजन. प्राइवेट कंपनीज में बिलो टू, पब्लिक कंपनीज में बिलो सेवन ड्यू टू सम रीजन, मे बी डेथ ऑफ द मेंबर और व्हाटएवर. एंड इन द अबव गिवन केस, जो आपको ये केस ऊपर दिया गया है, सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी बन गई है, वेल इन दिस केस द मेंबर्स वर नेवर इनिशियली सेवन, मेंबर्स कभी सात थे ही नहीं, शुरू में दो ही थे, दो से बढ़ाकर हमने सात नहीं किए, लेकिन सात से रिड्यूस तो नहीं हुए. तो सेक्शन 3A की पहली लाइन अप्लाई नहीं हो रही है, सेक्शन 3A की पहली लाइन, पहला फ्रेज अप्लाई नहीं हो रहा. सो द अबव गिवन केस इज डिफरेंट फ्रॉम सेक्शन 3A. दौसत सब्सिडरी कंपनी हैज टू कंपल्सरली इंक्रीज, दिस सब्सिडरी कंपनी हैज टू कंपल्सरली इंक्रीज द नंबर ऑफ मेंबर्स टू एटलीस्ट 5 टू कंप्लाई विद सेक्शन 103 द कोरम ऑफ जनरल मीटिंग. पब्लिक कंपनीज में मिनिमम कोरम चाहिए होता है, तो कम से कम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट हो उसके लिए. तो सारा झगड़ा जो है पब्लिक कंपनी के डेफिनेशन में प्रोवाइज़ पे, अ कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ अ पब्लिक कंपनी इज डीम्ड टू बी अ पब्लिक कंपनी, वेल फॉर द एप्लीकेबिलिटी ऑफ द होल ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट एक्सेप्ट वो पब्लिक इशू वाले सेक्शन अप्लाई यहाँ पर भी नहीं होते. आई होप कि आप लोग अगर अगस्त 2021 में एग्जाम देने वाले हो तो आपको ये सारी बातें ऑलरेडी याद होंगी. एंड व्हेन वी से व्हाट इज द स्टेटस ऑफ दैट प्राइवेट कंपनी विच इज सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, तो आपको वो स्टेटस याद होना चाहिए. और क्या इस प्राइवेट कंपनी को नंबर ऑफ डायरेक्टर्स दो से बढ़ाकर तीन करने पड़ेंगे एज पर सेक्शन 149? यस. क्या दो से बढ़ाकर सात मेंबर्स करने पड़ेंगे बिकॉज ऑफ सेक्शन 3? तो हम कहेंगे सेक्शन 3 अप्लाई नहीं होता, सेक्शन 3 तो इज एप्लीकेबल ओनली एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन. या बिकॉज ऑफ सेक्शन 3A तो हम कहेंगे सेक्शन 3A भी अप्लाई होता ही नहीं, तो दो से सात नहीं करने पड़ेंगे. लेकिन दो से क्या पांच करने पड़ेंगे बढ़ाकर कोरम, कोरम की रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए, सेक्शन 103 के रिक्वायरमेंट पूरा करने के लिए. यस yes. और क्या पूरा कंपनीज एक्ट, फुल कंपनीज एक्ट 2013 अप्लाई होगा? आंसर इज यस. क्लास में कितनी बार गाना गाकर बताया ना ये वाली चीजें. एंड देन आई विल से दिस इज समथिंग. और क्या आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी? यस. सो आई विल से आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी, वो तो लिखा ही हुआ है उसमें, प्रोवाइजो में ही लिखा हुआ है लॉ मेकर ने. सो दिस इज द फाइनल आंसर, दिस इज द फाइनल आंसर कि डायरेक्टर्स को दो से बढ़ाकर तीन करना मैंडेटरी है, मेंबर्स को दो से बढ़ाकर पांच करना मैंडेटरी है सेक्शन 103 की वजह से. सात करना चाहते हो आपकी मर्जी है कि चलो सात में से कल को दो बीमार हैं और नहीं आ पा रहे, जनरल मीटिंग का कोरम हो जाएगा आपका, एडवाइजेबल है, मैंडेटरी नहीं है और सेक्शन 3A एप्लीकेबल नहीं है, नहीं है, नहीं है. बेवकूफ ही मत करना लाइफ में, बस कुछ बेवकूफ औरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, कुछ बेवकूफ औरों को भी बेवकूफ बना रहे हैं, खुद भी बेवकूफी के रास्ते पे चल रहे हैं, औरों को भी बेवकूफी के रास्ते पे अपने साथ चला रहे हैं. मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, नाम लेना डिसेंसी के अगेंस्ट. देन आई विल से, और उनको घमंड है पता नहीं किस बात का. मैं कहता हूं यार हम तो सरस्वती माँ के बच्चे हैं, सरस्वती माँ ने अच्छा किया कि इतना दिमाग दिया कि हम पढ़ाई कर पाए, ये पढ़कर समझ पाए, औरों के साथ शेयर कर सकते हैं. कुछ लोग अपने आप को पढ़ाइयों का भगवान समझते हैं. अबे किस बात के भगवान, दो थप्पड़ लगाऊंगा नीचे आ जाओ जमीन पे. स्टूडेंट रहो, स्टूडेंट सारी जिंदगी सीखते रहो, भगवान बनने की जरूरत नहीं है किसी को भी. मैं 25 साल हो गए कंपनीज एक्ट से डील करते करते, मैं भगवान नहीं मानता अपने आप को, स्टूडेंट मानता हूं आज तक. हाँ डेडिकेटेड स्टूडेंट हूं, जुझारू स्टूडेंट हूं, जूझता हूं मैं सेक्शंस के साथ, बेरेक्ट के साथ जूझता हूं, लड़ता हूं सेक्शंस के साथ, प्रोविजंस के साथ, अंदर से गड्ढे खोदता हूं, लाइनों के पीछे से हिडन इंटेंशंस निकालता हूं, स्टूडेंट हूं, भगवान नहीं हूं मैं भी. और गलती मुझसे भी कहीं हो सकती है, लेकिन बेरेक्ट से पढ़ता हूं, बेरेक्ट से, और बेरेक्ट से ही सबको कहता हूं सही तरीका पढ़ने का. दैट इज द बेस्ट थिंग अबाउट मी, द बेरेक्ट. और बेरेक्ट एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में बेरेक्ट से पढ़ता था सब कुछ, एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम में, और फिर प्रोफेशनल प्रोग्राम में आकर तो रमैया पढ़ ली. पता नहीं लोग तो अपने आप को भगवान समझ रहे. मैं कह रहा हूं यार मैं आज तक स्टूडेंट हूं, जुझारू स्टूडेंट हूं, डेडिकेटेड स्टूडेंट हूं. लोग तो कहते हैं मेरे जैसा कंपनी लॉ कोई पढ़ाता नहीं, अबे चुप थप्पड़ मारूंगा. और YouTube पे तो मेरे को लगता है मेरे को सारे वीडियो चैनल्स देख देख कर ना, सबके वीडियो चैनल्स देखकर
सबके गलत वीडियोस निकाल निकाल कर बता देने चाहिए, इस टीचर ने ये गलत पढ़ाया, इस टीचर ने ये गलत पढ़ाया और सही कॉन्सेप्ट ये है, ताकि आप सही कर लो किसी और के। छोटे मासूम बच्चे गलत रास्ते पे जा रहे हैं क्योंकि गलत गाइडेंस मिल रही है, मिस गाइडेंस मिल रही है, पूरे पूरे वीडियोज ही गलत है, 8,000-10,000 व्यूज है, पूरा वीडियो गलत है, 4,000 व्यूज है, 3,000-2,000 व्यूज है, पूरा वीडियो ही क्या बोलूं, आधा गलत है, किसी का पूरा ही गलत है, सत्यानाश किया हुआ है, कॉन्सेप्ट का सत्यानाश है। YouTube चैनल खोल कर बैठ जाओ गाने गाने के लिए, शायरी करने के लिए, कॉमेडियन बनने के लिए, ठीक है भाई, बट YouTube चैनल के थ्रू अगर पढ़ाई करनी है ना, सीरियस पढ़ाई होनी चाहिए, कॉमेडियन मत बनो। कुछ टीचर तो संडास जाकर बैठ जाते हैं, संडास बोलते रहते हैं, आई डोंट नो, पता नहीं बच्चे बेचारे एग्जाम देने जाएंगे, टीचर संडास जाएंगे, पता नहीं क्या करेंगे, अजीब अजीब सी गंदी सी लैंग्वेज हो गई है टीचर्स की, मैं तो वो शब्द नहीं बोल पाता हूँ, पता नहीं, एक टीचर तो YouTube के ऊपर दूसरे टीचर को कुत्ता कह रहा था, फिर वो सुअर कह रहा था, अबे तुम सुअर और कुत्तों की कैटेगरी में हो भाई, तुम बढ़िया है, जंगल चले जाओ, गलियों में घूमो ना एक दूसरे के साथ, सुअर और कुत्ते तो गलियों में घूमने के लिए होते हैं, कीचड़ में घूमने के लिए होते हैं, प्रोफेशनल स्टूडेंट्स, और कुछ टीचर्स तो सीएस है ही नहीं और सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं, खुद तो सीएस बन नहीं पाए, सीएस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं पता नहीं, और कचरा कर रहे हैं, और टीचर खुलेआम यूट्यूब पे मुंह से बोल रहा है, सेटिंग ऑफ बिजनेस के पेपर में ना डायरेक्ट हाथ लगाने की जरूरत ही नहीं है, अबे भाई डायरेक्ट के बिना बच्चों को बर्बाद कर देगा, तो फ्यूचर बर्बाद कर देगा बच्चों का, उल्टी एडवाइस, मिस गाइडेंस। मैं एसयूबी पढ़ा रहा हूं, अबे एसयूबी में जो कंपनी लॉ वाला पार्ट है उसके लिए तो डायरेक्ट पढ़ा ले, क्या बोलूं, नाम नहीं लेना चाहता बस किसी का, दैट्स इट। फिर गुस्सा आ गया, आग थू, चलो आगे चलते हैं, सॉरी, भड़क जाता हूं आजकल मैं सही में, इतना पहले ना जब सब लोग YouTube पे नहीं थे, सब छुपा हुआ था, मुझे लगता था ऑल ओवर इंडिया सारे टीचर अच्छा ही पढ़ा रहे हैं, मैं भी अच्छा पढ़ा रहा हूं तो सब मेरे जैसे ही पढ़ा रहे होंगे, सारे ईमानदारी से पढ़ा रहे होंगे, अब YouTube ने तो सबके पर्दे ही खोल दिए, और मेरा तो सही में मना, एक स्पेशल चैनल बनाऊंगा, या इसी चैनल पे, अपने चैनल पे सो एंड सो टीचर का वीडियो लेकर आऊंगा, क्लिपिंग और कहूंगा ये देखो इस क्लिपिंग में इस टीचर ने ये गलत कॉन्सेप्ट पढ़ाया, और ये सही कॉन्सेप्ट क्या है मैं बताता हूँ, एज पर बेयर एक्ट इंटरप्रिटेशन, सही इंटरप्रिटेशन क्या मैं बताता हूँ। Then I'll say, and I tell you one thing, अगर मैं बोलता हूँ मेरे स्टूडेंट्स कहीं पहुंचे हुए हैं, अब वो सब उसमें नहीं जाऊंगा अभी इस वक्त, मे बी सम अदर डे आई विल कीप अ स्पेशल सेशन ओनली ऑन दिस। देन क्या पूरा कंपनी से कंप्लाई करना पड़ेगा, नाउ दिस प्राइवेट कंपनी हैज बिकम सब्सिडियरी ऑफ पब्लिक कंपनी, इट इज डीम्ड टू बी पब्लिक कंपनी फॉर द होल कंपनी एक्ट, तो क्या सिर्फ सेक्शन 103, नहीं जी नहीं, सेक्शन 103 और 149 नहीं, पूरा कंपनी से कंप्लाई करना पड़ेगा, एज इफ जैसे कि इट इज Not a private company, as if it is a public company. केस का नाम ये है जहां से हम लोग इंस्पायर्ड हैं, मैंने भी इसी केस से सीखना शुरू किया और सब लोगों ने यही केस पढ़ा हुआ है, हिस्टोरिकल केस है। फाइनली दिस इज ऑल अबाउट नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ सेक्शन 3। देन आई गो ऑन फर्दर, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द कंपनी, फॉरेन कंपनी एंड बॉडी कॉर्पोरेट, जल्दी जल्दी करते हैं, कंपनी सेक्शन 2 क्लॉज 20, Foreign company section 2 clause 42 and body corporate section 2 clause 11, that is there. Or company ka matlab, company means a company incorporated in this act, Companies Act 2013, or previous company law in India, Companies Act 1956, or usse pehle jo bhi hua karte the, Companies Act 1913 wagera, un sab mein nahi ja raha hu, but incorporated mudde ki baat kya hai, incorporated in India, or means ka matlab जो लिखा है उतना ही है, उससे ज्यादा और कुछ नहीं है, इसके आगे पीछे और कुछ आप ऐड नहीं कर सकते। एंड कंपनी में भी, या पब्लिक कंपनी में भी, प्राइवेट कंपनी में भी, ओपीसी कंपनी, प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ओपीसी कंपनी, ओपीसी कंपनी भी होती तो प्राइवेट ही है, बाकी तो मतलब आगे कैटेगराइजेशन हम बात करते हैं, और कैटेगराइजेशन के लिए तो देयर इज अ फुल वीडियो आई हैव गिवन द यूट्यूब अर्लियर आल्सो, ऑल टाइप ऑफ कैटेगराइजेशन ऑफ द कंपनीज आर देयर। Then concept of body corporate, section 2 clause 11, and body corporate को दूसरा नाम दिया गया corporation, the most important word means नहीं लिखा, includes लिखा है, definition is inclusive, it includes a company incorporated outside India but does not include a cooperative society under any cooperative society act and any other body corporate, well any other body corporate notified by CG, इनको body corporate नहीं माना जाएगा for the purpose of companies act, लेकिन CG जो है वो company को notify नहीं कर सकता, language थोड़ा सा, अब मैं कहूँगा यहाँ पर लगता है कि पार्लियामेंट ऑफ इंडिया की लैंग्वेज है तो पढ़ने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं अभी अभी। बॉटम लाइन एक जरूर बहुत अच्छे से याद रखिएगा, एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट।
एंड द टर्म कॉर्पोरेशन और बॉडी कॉर्पोरेट इज वाइडर देन द कंपनी. एवरी कंपनी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट बट एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज नॉट अ कंपनी. आई होप बहुतों को ऑलरेडी मालूम है बेसिक फीचर्स ऑफ. अब दो मिनट लगाऊंगा बस इसके ऊपर, दो मिनट. बेसिक फीचर्स ऑफ एवरी बॉडी कॉर्पोरेट, वी से एवरी बॉडी कॉर्पोरेट इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी विच कैन होल्ड इट्स प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम. इट कैन सू एंड बी सूड इन इट्स ओन नेम. परपेचुअल सक्सेशन और द परमानेंट एग्जिस्टेंस इज देयर. चाहे वो कंपनी हो या कंपनी ना हो, इट मे और मे नॉट बी अ कंपनी. हो सकता है वो कंपनी हो सकता है कंपनी ना हो, लेकिन ये चारों फीचर्स तो रहेंगे, ये चारों फीचर्स तो रहेंगे. LLP, Limited Liability Partnership, LIC in the LIC Act, Statutory Corporation, ICSI in the CS Act 1980. Then I'll say, अब जो लॉ मेकर ने लिखा है उसको समझ लेते हैं स्टेप बाय स्टेप. बॉडी कॉर्पोरेट वही लैंग्वेज है, एक शब्द भी इधर का उधर चेंज नहीं करेंगे. बॉडी कॉर्पोरेट इंक्लूड्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट डज नॉट इंक्लूड अ कोऑपरेटिव सोसाइटी, सहकारी समिति. गूगल सर्च कर लेना, अंडर कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट सहकारी समिति अधिनियम में जो बनी हुई है उनको नहीं माना जाएगा. और दूसरा, डज नॉट इंक्लूड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच इज नोटिफाइड बाय सीजी इन द ऑफिशियल गेजेट ऑफ इंडिया. सीजी चाहे, सीजी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, चाहे तो नोटिफाई कर सकती है भारत का राजपत्र में कि सो एंड सो को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा. सीजी कैन नॉट नोटिफाई नॉट बींग अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट. सीजी कैन नॉट नोटिफाई, सॉरी ये शब्द यहां थोड़ा सा गड़बड़ हो गया. सीजी कैन नॉट नोटिफाई अ कंपनी एज डिफाइंड इन दिस एक्ट. सीजी ये नहीं बोल सकती कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. मतलब कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है ही है. ये दो शब्द मैं यहां डिलीट कर रहा हूं, टाइपिंग मिस्टेक, टाइपिंग एरर. सीजी कंपनी को नोटिफाई नहीं कर सकती. सीजी कंपनी को नोटिफाई नहीं कर सकती तो मतलब ऑटोमेटिकली इसका मतलब निकल कर आ रहा है कि ये बॉडी कॉर्पोरेट में इंक्लूड हो जाएगी. इसका मतलब ये निकल कर आ रहा है सीजी कंपनी के अलावा किसी और चीज को नोटिफाई करना चाहे तो कर सकती है. सीजी कैन नोटिफाई एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जिसको, जो बॉडी कॉर्पोरेट अपने एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट है लेकिन कंपनी एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, लेकिन सीजी कंपनी को नोटिफाई नहीं कर सकती. ये बेयर एक्ट की लैंग्वेज है. तो सीजी कैन नॉट नोटिफाई अ कंपनी डिफाइंड इन दिस एक्ट. सीजी उसको नोटिफाई करके ये नहीं बोल सकती कि कंपनी बॉडी कॉर्पोरेट नहीं है. कंपनी तो बॉडी कॉर्पोरेट है, इसका मतलब ये मान लो. सीजी उसको एक्सप्लेन कर सकती, लेकिन सीजी ने अपनी पावर का इस्तेमाल किया है. सीजी ने कहां अपनी पावर का इस्तेमाल किया है? सीजी ने नोटिफाई किया है सोसाइटीज इन द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट. सहकारी समिति नहीं, समिति, समाज सेवा करने के लिए बनी है. कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या है? जैसे अमूल पैदा हुई तो अमूल कोऑपरेटिव सोसाइटी, बिजनेस कर रहे हैं, प्रोडक्ट बेच रहे हैं, दूध और वट एवर, ऐसे मिल्क बटर एंड घी, और उससे पैसा कमा रहे हैं. और जो कोऑपरेटिव सोसाइटी के मेंबर्स हैं वो आपस में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट भी कर रहे हैं. और ये सोसाइटी कौन सी है? लाइब्रेरी, म्यूजियम, समाज सेवा के लिए बनाई गई है. मे बी दैट ओल्ड एज होम, मे बी दैट ब्लाइंड स्कूल, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, अनाथालय, ऑर्फनेज, ये वो सोसाइटी है जो समाज सेवा के लिए बनाई गई है. तो वो सोसाइटीज कंपनीज एक्ट में बॉडी कॉर्पोरेट नहीं मानी जाएंगी. अब दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट, सिर्फ ध्यान से सुन लीजिएगा. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की जजमेंट है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट में लिखा है कि कोऑपरेटिव सोसाइटी इज अ बॉडी कॉर्पोरेट फॉर द पर्पस ऑफ दैट एक्ट. कोऑपरेटिव सोसाइटी हैज ऑल फीचर्स ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. Separate legal entity can hold the property in its own name, sue and be sued, perpetual succession. सारे चारों के चारों फीचर हैं यहाँ पर. और ऐसे ये जो सोसाइटी है इन द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट, इसमें भी चारों के चारों फीचर हैं. सेपरेट लीगल एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन, वो चारों हैं. और ये दोनों कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी अपने अपने एक्ट के पर्पज के लिए बॉडी कॉर्पोरेट हैं, लेकिन 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 कंपनीज एक्ट में इन दोनों को बॉडी कॉर्पोरेट नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा. और कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शन में जहां जहां बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड का इस्तेमाल हुआ है उसमें ये दोनों नहीं आते. ये दोनों जो है कोऑपरेटिव सोसाइटी और सोसाइटी अपना एक्ट फॉलो करेंगे, इनके ऊपर कंपनीज एक्ट का प्रोविजन मतलब कैसे भी अप्लाई नहीं होगा. ये दोनों ना तो कंपनीज हैं और ना ही बॉडी कॉर्पोरेट हैं. तो कंपनीज एक्ट में 470 सेक्शंस में कुछ सेक्शन है जहां पर बॉडी कॉर्पोरेट का इस्तेमाल हुआ है वर्ड का, जैसे सेक्शन 188 रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन, जैसे सेक्शन 186 इंटर कॉर्पोरेट लोन्स. तो वहां जब बॉडी कॉर्पोरेट वर्ड आता है तो उसमें ये दोनों तो नहीं आते, लेकिन फिर आता क्या क्या है? अब आपके लिए सवाल है, बॉडी कॉर्पोरेट में क्या क्या आता है? तो अब क्वेश्चन नंबर 1, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं? यस और नो, लाइव चैट में बता देना. नंबर 1. नंबर 2, LLP रजिस्टर्ड इन इंडिया और आउटसाइड इंडिया बॉडी कॉर्पोरेट में आएगी या नहीं आएगी? नंबर 2. नंबर 3, स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और अंडर इट्स ओन स्टैट्यूट LIC इन द LIC एक्ट,
CS Institute, ICSI in the ICSI in the CS Act. वो body corporate में आएगा या नहीं? Number four, statutory chartered company incorporated outside India under special charter of foreign country. हम बोलते हैं इंडिया में जैसे statutory corporation है under its own statute, इंडिया के बाहर भी जो companies act में बनी है वो companies हैं. A company incorporated outside India in the companies act outside India. This is UK में companies act में बनी है या USA में या किसी भी और कंट्री में एनी कंट्री कंपनीज एक्ट में बनी है. लेकिन ये जो है ये वहां के कंपनीज एक्ट में नहीं बनी है, वहां के स्टैट्यूट के अंडर बनी है. इंडिया में स्टैट्यूट बोलते हैं, वहां चार्टर बोलते हैं. दैट्स इतना ही डिफरेंस है. तो ये जो 1, 2, 3, 4 है क्या ये भी बॉडी कॉर्पोरेट है या नहीं? एंड द आंसर इज येस और नो. आई विल काउंट 10, 9, 8, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 4 रह गया बीच में, 4. सो आई विल से एंड आंसर इज येस. ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं, ये सारे के सारे बॉडी कॉर्पोरेट हैं. नाउ दिस इज द फाइनल पिक्चर, दिस इज द फाइनल पिक्चर इन फ्रंट ऑफ यू रिगार्डिंग द डेफिनेशन ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. और जब कंपनी बोलते हैं कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, पब्लिक कंपनी, प्राइवेट कंपनी, ओपीसी कंपनी जो भी है. और कुछ देशों में, अमेरिका में तो पब्लिक प्राइवेट कंपनी नहीं होती है, वहां तो कंपनी इज कंपनी. अमेरिका तो कहानी अलग है. तो और कुछ देशों में है ऐसा, इंडिया में कॉम्प्लिकेशन थोड़ी सी ज्यादा है. सो आई विल से दिस इज हाउ इट इज एंड दिस इज द कंप्लीट फाइनल पिक्चर ऑफ बॉडी कॉर्पोरेट. ये सब है. और हम बोलते हैं बॉडी कॉर्पोरेट इज अ यूनिवर्सल सेट जिसके अंदर सब आ जाते हैं. कंपनी इन इंडिया ले लो, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड. आउटसाइड इंडिया ले लो, एप्पल इंक, गूगल इंक. बॉडी कॉर्पोरेट में सब आ जाते हैं. LIC इन द LIC एक्ट, दैट इज देयर. LLPs इन इंडिया, LLP आउटसाइड इंडिया. सिर्फ दो कौन से नहीं आते हैं जो इस सेट के बाहर हैं? सोसाइटीज और कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि इस सेट के बाहर है, जो इस यूनिवर्सल सेट से बाहर है. बाकी सारे सबसेट हैं यूनिवर्सल सेट के अंदर, और भी इंक्लूड हो सकते हैं. द लिस्ट इज स्टिल इंक्लूसिव, द डेफिनेशन इज इंक्लूड्स. सिर्फ सीजी ने सोसाइटी को हटाया और कोऑपरेटिव सोसाइटी ऑलरेडी हटी हुई थी, दो को हटाया, बाकी सबको इंक्लूड कर लिया. दिस इज बॉडी कॉर्पोरेट. फॉरेन कंपनी का मतलब क्या? एंड आई विल से दो लाइनों में, दो तीन पॉइंट इंपॉर्टेंट. नंबर वन, इट मींस एनी कंपनी और एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया. हो सकता है वो कंपनी है और हो सकता है वो कुछ स्पेशल एक्ट में बनी है. दोनों तरीके से हो सकता है. लेकिन बनी कहाँ है? रजिस्टर इनकॉर्पोरेट कहाँ हुई है? इंडिया के बाहर, इंडिया में नहीं. विच हैज अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. और वो जो प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में है वो फॉरेन कंपनी नहीं है. फॉरेन कंपनी मींस वर्ड प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए यूज नहीं हुआ है. मींस वर्ड कंपनी के लिए यूज हुआ है, मींस वर्ड बॉडी कॉर्पोरेट के लिए हुआ है. कुछ टीचर्स को तो ये भी नहीं पता, अब मैं और डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन कुछ टीचर्स को तो ये भी नहीं पता ये मींस वर्ड जो है. कुछ टीचर्स तो कह रहे हैं ये प्लेस ऑफ बिजनेस के लिए है. फॉरेन कंपनी मींस अ प्लेस ऑफ बिजनेस. अब क्या बोलूं तुम्हें, क्या नाम दूं तुम्हें? देन फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी और मींस वर्ड कंपनी के लिए, बॉडी कॉर्पोरेट के लिए. एंड दिस कंपनी में भी लेट अस से एप्पल इंक, दिस कंपनी में भी गूगल इंक, जिसकी इंडिया में सब्सिडरी नहीं है, सब्सिडरी नहीं है, ब्रांच है, सम प्लेस ऑफ बिजनेस. और प्लेस ऑफ बिजनेस में भी ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, मे बी लाइजन ऑफिस इन इंडिया, मे बी प्रोजेक्ट ऑफिस इन इंडिया. बो लो पो या बो पो लो. बीओ मतलब ब्रांच ऑफिस, ईओ मतलब प्रोजेक्ट ऑफिस, एलओ मतलब लाइजन ऑफिस. ब्रांच ऑफिस जिसपे बिजनेस करते हैं, लाइजन ऑफिस पे बिजनेस नहीं करते, सिर्फ रिलेशनशिप मेंटेन करते हैं इंडियन कस्टमर्स के साथ, रिलेशनशिप ऑफिस. और प्रोजेक्ट तो प्रोजेक्ट ही होता है, पूरा प्रोजेक्ट लगाते हैं. फेमा की लैंग्वेज बोल रहा हूँ, जिनको फेमा आता है जैसे मुझे आता है तो वो ये लैंग्वेज बोलते हैं. बाकी जिनको फेमा नहीं आता वो लोग ये लैंग्वेज नहीं बोलते. देन हैज द प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया. वेल कुछ होना चाहिए इंडिया में बस. वेदर बाय देमसेल्व्स, या तो उस कंपनी का खुद का हो या कंपनी का खुद का ना भी हो तो भी चला लेंगे. कंपनी का एजेंट इंडिया में है और उस एजेंट का वो ब्रांच ऑफिस या लाइजन ऑफिस इंडिया में है, व्हाटएवर, फिजिकली हो या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड. इलेक्ट्रॉनिक मोड यू नो दैट सर्वर.
लेकिन प्लेस ऑफ बिजनेस इंडिया में जरूर जरूर होना चाहिए। खुद से बना लें या एजेंट के थ्रू बना लें, फिजिकली बना लें या थ्रू इलेक्ट्रॉनिक मोड किसी सर्वर पे बना लें, लेकिन इंडियन सर्वर जरूर होना चाहिए। अच्छा, ऐसा हो सकता है कि पेरेंट सर्वर इंडिया के बाहर है लेकिन उनका जो सबॉर्डिनेट सर्वर है वो इंडिया में है, और सबॉर्डिनेट सर्वर इंडिया में है, पेरेंट सर्वर इंडिया के बाहर है, और ये दोनों सर्वर आपस में कनेक्टेड है, लेकिन एक सर्वर यहाँ कहीं है, बेंगलुरु में है, गुरुग्राम में है, पुणे में है, मुंबई में है, कहीं भी है, चेन्नई में है, एक सर्वर यहाँ है। चाहे पेरेंट सर्वर जो है मेन सर्वर वो इंडिया के बाहर है, और मेन सर्वर इंडिया में तो बहुत बढ़िया है, मेन सर्वर इंडिया में नहीं है, बेबी सर्वर इंडिया में है और उसका मेन सर्वर इंडिया के बाहर है तो भी चलेगा, लेकिन फिर इंडिया में सर्वर जरूर हो कुछ इलेक्ट्रॉनिक मोड के थ्रू, एंड कंडक्ट्स एनी बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। और ये एंड वर्ड इंपॉर्टेंट है क्योंकि ए एंड बी जोड़कर पढ़ना है, अलग अलग नहीं पढ़ना है, ए एंड बी मैंडेटरी और नहीं एंड है। तो बिजनेस जरूर होना चाहिए इंडिया में, और बिजनेस कैसा, वन टाइम एक्टिविटी, वन टाइम एक्टिविटी या रेगुलर कॉन्टिन्यूअस। तो मैं कहूंगा वन टाइम एक्टिविटी, अगर एक प्रोजेक्ट ही है, 10 ईयर्स लॉन्ग प्रोजेक्ट, एक प्रोजेक्ट लगा रहे हैं जी हम तो इंडिया में बस, लेकिन वही 10 साल तक चलेगा तो वही अपने आप में लॉन्ग टर्म हो गया, कहने के लिए वो वन टाइम। इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट काइंड ऑफ बिजनेस द फॉरेन कंपनी इज डूइंग। तो फॉरेन कंपनी मींस अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, और अ बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, हैविंग अ प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ईदर इटसेल्फ और थ्रू एजेंट फिजिकली और इलेक्ट्रॉनिकली, एंड कंडक्टिंग द बिजनेस एक्टिविटी इन इंडिया। ए और बी दोनों फुलफिल होंगे तो ही उस फॉरेन कंपनी को फॉरेन कंपनी माना जाएगा, और उस फॉरेन कंपनी को सेक्शन 380 बहुत ध्यान से पढ़ लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर अभी तक नहीं पढ़ा, इंडिया में कुछ डॉक्यूमेंट फाइल करने होते हैं जब इंडिया में ब्रांच एस्टैब्लिश करते हैं, और इंडिया में अगर चार ब्रांचेस एस्टैब्लिश की हैं तो वो चार फॉरेन कंपनीज नहीं है, वो चारों प्लेस ऑफ बिजनेस है, उनमें से एक प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस है, बाकी तीन अदर प्लेस ऑफ बिजनेस है, लेकिन वो चारों प्लेस ऑफ बिजनेस है, वो चार कंपनीज नहीं है इंडिया में। ये क्लियर होना चाहिए, बहुत बहुत अच्छे से खून में उतार लेना, दिल में उतार लेना, जिगर में उतार लेना, किडनी में उतार लेना, लीवर में उतार लेना, बच उतार लेना। और सेक्शन 380 में फॉरेन कंपनी जब इंडिया में अपना प्लेस ऑफ बिजनेस एस्टैब्लिश करती है पहली बार, तो फॉर्म FC-1 फाइल करती है, और फॉर्म FC-1 के साथ डॉक्यूमेंट फाइल करती है, और जो फॉरेन कंपनी के फॉरेन डायरेक्टर्स की लिस्ट है वो इसके साथ जाती है, और इंडिया में उन्होंने जो इंडियन ऑफिस का केयर टेकर हेड अपॉइंट किया है, जो ROC से कम्युनिकेशन लेने के लिए देने के लिए ऑथराइज किया है, उसका नाम साथ में जाता है, दैट इज देयर, और बहुत सारा डेटा दिया जाता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन ऑफ दैट फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया, और इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस का मेमोरेंडम आर्टिकल नहीं, चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ दैट फॉरेन कंपनी आउटसाइड इंडिया। और अगर वो मेमोरेंडम आर्टिकल्स अगर इंग्लिश में नहीं है, स्पेनिश में है, फ्रेंच में है, जर्मन लैंग्वेज में है, तो उसकी इंग्लिश ट्रांसलेशन साथ में वो भी दी जाती है। तो इंडियन जो प्लेस ऑफ बिजनेस है वो फॉरेन कंपनी नहीं है, उस नहीं तो चार फॉरेन कंपनीज के क्या चार मेमोरेंडम बनेंगे, क्या चार आर्टिकल बनेंगे, क्या फॉरेन कंपनी एक ही है, उसका मेमोरेंडम आर्टिकल एक ही है और स्पेनिश लैंग्वेज में है, तो वो भी इंडिया में फाइल होगा जिस भी लैंग्वेज में है, प्लस उसकी ट्रांसलेशन भी इंडिया में फाइल होगी। 380 एक बार पूरा पढ़ लेना ध्यान से। देन आई विल से फाइनली कुछ क्वेश्चन मैंने कल भी पूछे थे, आज रिपीट कर रहा हूँ, इट इज ऑन द कॉस्ट ऑफ रिपीटेशन, आई विल जस्ट टेक 2 मिनट्स ऑन दिस। गूगल इंक हैज ब्रांच ऑफिस इन इंडिया विल इन दिल्ली, व्हाट इज द स्टेटस ऑफ गूगल इंक, इज इट अ कंपनी इन द कंपनीज एक्ट, नो, इज इट अ बॉडी कॉर्पोरेट, यस, इज इट अ फॉरेन कंपनी, यस, इंडिया में ब्रांच है, इज इट BNC both, yes, yes, yes. What is the status of Delhi branch of the Google Inc. in India? So is it a company in the Companies Act? No. Is it a body corporate? No. Is it a foreign company? Answer is no. Delhi wali branch kuch nahi hai. So answer is none of these. Branch is just a branch. Is just a place of बिजनेस एंड नथिंग एल्स। और पुलिस स्टेशन में इस ब्रांच के बारे में बताना होता है, कंपनीज एक्ट में नहीं लिखा, प्रैक्टिकली बताना होता है, फैमा में लिखा है कि बताना होता है इस ब्रांच के बारे में। वेल, जिन लोगों को फैमा नहीं आता उनको बता रहा हूँ, बाकी जो अच्छे बच्चे हैं वो पढ़ेंगे अभी ग्रुप टू में। इफ गूगल इंक हैज 2 ब्रांच ऑफिस इन इंडिया, अगर उनके 2 ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, तो उन दोनों ब्रांचेस का स्टेटस क्या है, व्हाट इज दैट? वंस अगेन आंसर इज सेम, none of these, and both the branches are simply place of business
एंड नथिंग एल्स, और कुछ नहीं है प्लेस ऑफ बिजनेस के अलावा कुछ नहीं. देन गोइंग ऑन फर्दर आई विल से वेल नेक्स्ट वन फेसबुक. फेसबुक अमेरिका हैज सब्सिडरी इन गुरुग्राम इन इंडिया एंड नॉट अ ब्रांच इन इंडिया. उनकी इंडिया में कोई ब्रांच नहीं है, गुरुग्राम में सब्सिडरी है. They have a subsidiary company which is a separate legal entity. What is the status of Facebook Inc., American company? Is it a company? No. Is it a body corporate? Yes. Is it a foreign company? No. Is it both? No. But it is a body corporate incorporated outside India. Body corporate includes a company incorporated outside India, chahe India mein branch ho ya na ho. So what is the status of Indian subsidiary company? Toh hum kahenge it is simply a company in the Companies Act. And yes, it is also a body corporate. It's not a foreign company and obviously it is not both. Indian subsidiary company ke status ke bare mein baat kare to. To piche agar body corporate ki definition ki taraf jaun, company incorporated outside India, maybe having branch in India may not be having branch in India. अच्छा ये वीडियो YouTube पे सिर्फ 48 hours रहेगा बस, only 48 hours on YouTube. उसके बाद हट जाएगा, जितनी बार देखना है वो देख लेना, एक बार दो बार पांच बार दस बार, but within 48 hours. उसके बाद ये वीडियो रहेगा कहां पर, हमारी ऐप पे, Make My Career ऐप पे. Past examination question. In the following two cases, the company shall be considered as foreign company or not. Mane ya nahi mane, yes or no mein answer dena. Company is incorporated outside India. It has a representative in India, but it does not have a place of business in India. Aur wo jo Indian representative hai, who on behalf of the company merely receives orders from the customers, who merely receives the orders from the customers and gives it to the parent company. तो क्या इस केस में इस कंपनी को फॉरेन कंपनी माने या ना माने, a company incorporated outside India having the representative in India, yes or no, live chat में लिख देना. A company incorporated outside India holds its board meetings and general meetings in India. Outside India holds its board meetings and general meetings in India. और कोई business नहीं कर रहे और कोई place of business भी नहीं है India में, तो yes or no ये भी live chat में लिख देना. A, B, yes or no, yes or no. I am counting 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Answer is no and no. I hope samajh mein aa gaya sabko. Aur questions bhi aane wale hain abhi bahut jaldi. Finally, I'll say body corporate includes company incorporated in India, company incorporated outside India, having place of business in India, either itself or through electronic mode, or ye section 2 clause 42 mein foreign company bhi hai. और सेक्शन 2 क्लॉज 11 में बॉडी कॉर्पोरेट भी है और दोनों अप्लाई हो रहे हैं. एंड देन कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो इस केस में बॉडी कॉर्पोरेट तो है ही, ऑब्वियसली नॉट हैविंग प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, तो सेक्शन 2 क्लॉज 11 तो अप्लाई हो रहा है, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 42 अप्लाई नहीं हो रहा है. और सेक्शन 2 क्लॉज 11 तो सभी केसेस में अप्लाई हो रहा है. That's important कि क्या apply हो रहा है और क्या apply नहीं हो रहा है, ये चीज याद रखने वाली बात है. So I hope that picture is clear. और अब इसमें लेकिन body corporate includes है तो इसमें आप और आगे बढ़ा सकते हो, और भी बढ़ा सकते हो. Definition is inclusive. LLP, statutory corporation, chartered company, बढ़ा सकते हो ना. अभी आ गया और अभी एक्सटेंशन आ जाएगी इसकी. फाइनली क्लियर है ना सबको. नाउ आई मूव ऑन फर्दर. वन बोनस क्वेश्चन फॉर यू, यस और नो में जवाब देना है बस. एक नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, नॉन गवर्नमेंट कंपनी,
पब्लिक कंपनी है सेक्शन 2 क्लॉज 71 में. इट बिकम्स होल्डिंग कंपनी ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड व्हिच वाज इनिशियली इनकॉर्पोरेटेड एज पर मतलब व्हिच वाज डिफाइंड इन सेक्शन 2 क्लॉज 68. इनकॉर्पोरेटेड तो सब सेक्शन 7 में होते हैं इनकॉर्पोरेशन का सेक्शन. सेक्शन 3 सब्सक्राइबर्स एंड सेक्शन 7 इनकॉर्पोरेशन. क्वेश्चन ए ओवर हियर हैज इट बिकम पब्लिक कंपनी नाउ. क्या ये प्राइवेट कंपनी या पब्लिक कंपनी बन गई है और इज इट स्टिल अ प्राइवेट कंपनी. तो ए का आंसर दीजिएगा येस और नो. मैं नहीं बता रहा हूँ अभी, आप लिख दीजिएगा लाइव चैट में, नहीं तो मैं बंद कर दूंगा वीडियो. सही बता रहा हूँ, आंसर नहीं दूंगा मैं, वीडियो बंद कर दूंगा. हाउएवर आर्टिकल्स विल कंटिन्यू टू हैव थ्री रिस्ट्रिक्शंस और नॉट. आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शंस रहेंगी पॉइंट बी में, येस और नो. येस और नो. होल कंपनीज एक्ट 2013 विल अप्लाई टू इट एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, येस और नो. मतलब पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी किस तरीके से अप्लाई होगा, पब्लिक और प्राइवेट. कैन दिस कंपनी स्टिल राइट द वर्ड प्राइवेट इन इट्स नेम, येस और नो. वेदर नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स हैव टू बी इंक्रीज टू 5 बिकॉज ऑफ सेक्शन 103, येस और नो. ई पॉइंट एफ, क्या सेक्शन 3A अप्लाई होगा, येस और नो. सेक्शन 3A एफ. चलिए मैं एक के बाद एक शुरू करता हूँ. नाउ पॉइंट ए, हैज इट बिकम पब्लिक कंपनी नाउ और इज इट स्टिल अ प्राइवेट कंपनी. वी से इट इज स्टिल अ प्राइवेट कंपनी, रहेगी तो वो प्राइवेट कंपनी. वेदर देयर विल बी आर्टिकल्स विल बी हैविंग थ्री रिस्ट्रिक्शंस, आंसर इज येस. तो अंदर से तो वो प्राइवेट कंपनी थी, प्राइवेट कंपनी है अभी भी, आंसर इज स्टिल येस. तीन रिस्ट्रिक्शन आर्टिकल में अभी भी है. प्रोहिबिशन ऑन द पब्लिक इशू अभी भी है, पब्लिक इशू तो कर ही नहीं सकते. होल कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल एज इफ, जैसे कि इट इज अ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, तो आंसर इज पब्लिक कंपनी. एक्सेप्ट पब्लिक इशू वाले सेक्शंस, एक्सेप्ट द प्रोविजंस ऑफ पब्लिक इशू. जो पब्लिक इशू से डील करने वाले सेक्शंस हैं वो अप्लाई नहीं होंगे, वो सेक्शन 29, 30, 31, 40 तक अप्लाई नहीं होगा, वो सब कुछ अप्लाई नहीं होगा. पब्लिक इशू वाले प्रोविजंस जो है सेक्शन 29 टू 40 मान लो, मतलब बेसिकली बिल्कुल अप्लाई नहीं होगा जो पब्लिक इशू वाले प्रोविजंस हैं. देन कैन दिस कंपनी स्टिल राइट द प्राइवेट कंपनी इन इट्स नेम, क्या इसको अभी भी प्राइवेट वर्ड लिखना है अपने नाम से या हट जाएगा. हाँ जी, प्राइवेट प्राइवेट वर्ड रहेगा, आंसर इज येस. प्राइवेट वर्ड रहेगा, क्यों, क्योंकि है तो वो अभी भी प्राइवेट कंपनी. आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शंस हैं, बैलेंस शीट में तो अभी भी ऊपर लिखोगे एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, लेकिन लॉ कंपनीज एक्ट ऐसे अप्लाई होगा जैसे कि इट्स अ पब्लिक कंपनी. होल कंपनीज एक्ट विल अप्लाई एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, लेकिन है तो प्राइवेट कंपनी एज पर आर्टिकल्स एंड बाय द नेम. देन वी से वेदर द नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स इज टू बी इंक्रीज टू 5, येस. वो तो पूरा कंपनी लॉ ही अप्लाई हो रहा है, होल कंपनीज एक्ट. तो सेक्शन 103 तो अप्लाई होगा. जनरल मीटिंग के लिए 5 मेंबर चाहिए, तो आपको भी 2 से बढ़ाकर अपने मेंबर 5 तो करने ही पड़ेंगे. क्या सेक्शन 3A अप्लाई होगा, आंसर इज नो. 7 करने हैं तो अपनी मर्जी से वॉलंटियरली कर लो, लेकिन सेक्शन 3A की वजह से बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, उसका कोई डर नहीं. देन आई विल से, बात समझ में आ गई सबको. अब अगला स्टेप, प्राइवेट कंपनी बिकम्स सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. प्राइवेट कंपनी बिकम्स सब्सिडरी ऑफ अ गवर्नमेंट कंपनी एंड दैट गवर्नमेंट कंपनी में भी पब्लिक कंपनी में भी प्राइवेट कंपनी. देन व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फर्स्ट प्राइवेट कंपनी, जो ऊपर वाली प्राइवेट कंपनी है इसका स्टेटस क्या होगा. अब सबको मालूम है गवर्नमेंट कंपनी मीन्स अ कंपनी इन विच मिनिमम एटलीस्ट 51% पेड अप कैपिटल इज हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट और बाय स्टेट गवर्नमेंट और पार्टली बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, पार्टली बाय स्टेट गवर्नमेंट, वन और मोर स्टेट गवर्नमेंट्स, पार्टली पार्टली 51% और मोर पेड अप कैपिटल. 50.1 से काम नहीं चलेगा, 50.9 से भी काम नहीं चलेगा, 50.99 से भी नहीं चलेगा, 51%. एंड गवर्नमेंट कंपनी ऑल्सो इंक्लूड्स एनी कंपनी विच इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी, दैट इज ऑल्सो गवर्नमेंट कंपनी. और वहां पर मोर देन 50% से काम चल जाता है, 50.0001% से भी काम चल जाता है, सब्सिडरी जब बोलते हैं. तो गवर्नमेंट कंपनी स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड होल्ड्स 50.0001% शेयर्स ऑफ अ पर्टिकुलर एबीसी लिमिटेड, तो दैट एबीसी लिमिटेड इज सब्सिडरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी. तो पेड अप कैपिटल जब हम बात करते हैं, और कुछ बाद में एग्जम्पशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से वोटिंग राइट्स के बारे में बात करते हैं, उसमें अभी फुल डिटेल में अभी ऑब्वियसली जा नहीं सकते हैं, पॉसिबल नहीं है. वो तो मैं प्रज्यूम कर रहा हूँ कि आपने गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन पहले तो पढ़ी होगी. आज तो हम सिर्फ एक लेवल आगे जा रहे हैं, एक लेवल और ऊपर जा रहे हैं. व्हाट इज द स्टेटस ऑफ फर्स्ट प्राइवेट कंपनी एंड वेदर इट कैन राइट प्राइवेट वर्ड इन इट्स नेम, क्या वो अपने नाम में प्राइवेट वर्ड लिखेगी.
तो अब दो सिचुएशन है, सिचुएशन वन टू, सिचुएशन वन गवर्नमेंट कंपनी बिकम्स होल्डिंग ऑफ एबीसी प्राइवेट लिमिटेड एंड पब्लिक कंपनी जो है, ये गवर्नमेंट कंपनी पब्लिक कंपनी है एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 71, नाम है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टॉक मार्केट में इसका शेयर, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का शेयर पिछले एक साल में इतना ऊपर भागा, देखना स्टॉक मार्केट में कभी ऐसी सेल का, गूगल सर्च कर लेना सेल शेयर प्राइस फॉर द लास्ट वन ईयर, क्या भागा है ऊपर, और आपने नहीं खरीदा तो मिस किया, मैंने भी मिस कर दिया, एनी हाउस देन आई विल से सेल, अब वो प्राइवेट कंपनी की बात हो रही है, फिलहाल मुद्दे की बात पे आते हैं, कॉन्सेंट्रेट करते हैं, हैज इट बिकम पब्लिक कंपनी नाउ और इज इट स्टिल अ प्राइवेट कंपनी, क्या वो अभी भी प्राइवेट कंपनी है या पब्लिक कंपनी बन गई है, पॉइंट ए, पॉइंट बी वेदर आर्टिकल्स विल कंटिन्यू टू हैव थ्री रिस्ट्रिक्शंस, होल कंपनीज एक्ट विल बी एप्लीकेबल एज इफ पब्लिक कंपनी और प्राइवेट कंपनी, अब तो आंसर पता ही है आपको सारे, और है तो वो ऊपर पब्लिक कंपनी और नीचे प्राइवेट कंपनी, चाहे वो गवर्नमेंट कंपनी हो पब्लिक कंपनी है, कैन दिस कंपनी स्टिल राइट द वर्ड प्राइवेट इन इट्स नेम, लास्ट क्वेश्चन में बस पॉइंट डी में ट्विस्ट है, बाकी सब तो सेम है, तो हैज इट बिकम पब्लिक कंपनी नाउ, नो, क्या आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, यस, वेल सो इट इज स्टिल अ प्राइवेट कंपनी, इट्स नॉट अ पब्लिक कंपनी, एंड क्या होल कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा एज इफ इट इज अ पब्लिक कंपनी, तो आंसर इज यस इट इज अ पब्लिक कंपनी, पब्लिक कंपनी की तरह अप्लाई होगा एक्सेप्ट पहले वाला सेम टू सेम, वही पब्लिक इशू वाले प्रोविजन अप्लाई नहीं होंगे, क्या ये अपने नाम में प्राइवेट वर्ड लिखेगी, आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट वर्ड नहीं लिखेंगे, आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन है प्राइवेट वर्ड नहीं लिखेंगे, इन जनरल कोई भी गवर्नमेंट कंपनी अपने नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं लिख सकती इन जनरल, वैसे भी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का सर्कुलर है, जब हम सेक्शन 4 पढ़ते हैं तब भी पढ़ते हैं कि गवर्नमेंट कंपनी अगर प्राइवेट कंपनी भी है ना और आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन है तो भी अपने नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं लिखेंगे, और अगर आपको ये बात नहीं पता है तो मेरा यूट्यूब के ऊपर स्पेशल वीडियो देख लीजिएगा गवर्नमेंट कंपनी का, तो समझ में आ जाएगा आपको, देन लेकिन पिछले दिनों में हटा दिया वो वीडियो मैंने यूट्यूब के ऊपर से, अब कैसे देखोगे आप, देन आई विल से सो दिस इज अबाउट सिचुएशन वन, सिचुएशन टू अब चेंज हो गया कुछ, सिचुएशन टू गवर्नमेंट कंपनी ऊपर जो दी गई है वो खुद प्राइवेट कंपनी है, एंड नाउ इट हैज बिकम होल्डिंग ऑफ अनदर प्राइवेट कंपनी, सो वन प्राइवेट कंपनी हैज बिकम होल्डिंग ऑफ अनदर प्राइवेट कंपनी, लेकिन उस कंपनी का अब यहां पर नाम ले रहा हूं, यूनिक नेम पवन हंस हेलीकॉप्टर्स बनाने वाली कंपनी, पवन हंस लिमिटेड जो हेलीकॉप्टर्स बनाती है और नॉर्थ ईस्ट में काफी काम है इनका और चलाते भी उधर नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स, सेवन सिस्टर स्टेट्स, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, ये उनकी वेबसाइट है पवन हंस लिमिटेड, लेकिन पवन हंस प्राइवेट लिमिटेड नहीं लिखते और शेयर होल्डर दो हैं, शेयर होल्डिंग पैटर्न हिंदी में बताया हुआ है, टू शेयर होल्डर्स ओनली, भारत सरकार होल्डिंग 51%, ONGC होल्डिंग 49%, तीसरा शेयर होल्डर कोई है ही नहीं, ओनली टू शेयर होल्डर, आर्टिकल्स में तीन रिस्ट्रिक्शन है लेकिन प्राइवेट वर्ड नहीं लिखते यहां पर, पवन हंस लिमिटेड, गवर्नमेंट कंपनीज प्राइवेट कंपनी भी होंगी तो नाम में प्राइवेट वर्ड लिखना अलाउड ही नहीं, तो पवन हंस लिमिटेड के वित्तीय निष्पादन का स्वरूप कुछ इस प्रकार है, वित्तीय निष्पादन मतलब वही शेयर होल्डिंग पैटर्न कि इसके 51% शेयरों का स्वामित्व भारत सरकार के पास है तथा 49% शेयरधारिता ONGC के पास है, आई होप आपने नाम सुना है ONGC विच इज अनदर गवर्नमेंट कंपनी, मतलब मुश्किल है हिंदी में अगर पूरी CS करनी पड़ जाए, सोचो पूरा कंपनी एक्ट हिंदी में लिखा हो, मैं तो CS कभी नहीं करता, मेरे तो बस की नहीं है, नाउ देन आई विल से पवन हंस लिमिटेड फाइनली दैट प्राइवेट कंपनी गवर्नमेंट कंपनी, लेकिन नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं है, पवन हंस लिमिटेड है, नाउ इट हैज बिकम होल्डिंग कंपनी एंड ABC प्राइवेट लिमिटेड हैज बिकम सब्सिडरी कंपनी, तो क्या ये पब्लिक कंपनी बन गई है अभी भी प्राइवेट कंपनी है, अरे भाई प्राइवेट कंपनी की सबसी प्राइवेट कंपनी, क्या आर्टिकल में तीन रिस्ट्रिक्शन रहेंगी, यस, क्या कंपनीज एक्ट ऐसे अप्लाई होगा जैसे कि ये पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी, तो आंसर इज प्राइवेट कंपनी, अरे भाई प्राइवेट कंपनी की सब्सिडरी है तो प्राइवेट कंपनी, क्या नाम में प्राइवेट वर्ड रहेगा, कैन इट स्टिल राइट द वर्ड प्राइवेट इन इट्स ओन नेम, आंसर इज नो, नाम में प्राइवेट वर्ड नहीं रहेगा क्योंकि वेल इट इज गवर्नमेंट कंपनी नाउ, अ कंपनी विच इज सब्सिडी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी इज ऑल्सो अ गवर्नमेंट कंपनी, और अगर ये गवर्नमेंट कंपनी है तो गवर्नमेंट कंपनी के नाम में प्राइवेट वर्ड लिखना अलाउड नहीं है, नहीं, सेक्शन 4 के साथ पढ़ते हैं जब हम मेमोरेंडम आर्टिकल पढ़ते हैं, हो गया आपका ये,
तो अब क्या क्या कर लिया हम लोगों ने, नंबर वन हो गया, नंबर टू हो गया, नंबर थ्री हो गया, नंबर फोर हो गया, नंबर फाइव भी हो गया. देन गोइंग ऑन फर्दर, नंबर सेवन भी हो गया हमारा, नंबर सिक्स रह गया सिर्फ. अब इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं और फिर डीजी सीरीज शुरू होने जा रही है. वेदर द इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस, वेदर द इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस हाँ जी, आई होप यू आर कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन दिस. ये क्वेश्चन मैंने कल पूछा था लेकिन इसका जवाब थोड़ा सा टेढ़ा है. कल कई लोगों ने आंसर देने की कोशिश की चैट में, लाइव चैट में. आज भी कोशिश करके देख लीजिए. वेदर द इंडियन प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ फॉरेन कंपनी कैन बी कंसीडर्ड एज इंडियन, जो इंडिया में इंडियन ब्रांच है, दिल्ली ब्रांच, गुड़गांव ब्रांच, क्या उसको इंडियन कंपनी मान सकते हैं? आंसर इज क्लियर कट नो. ये तो मैं बता दूँ आपको. क्वेश्चन नंबर सिक्स बी, वेदर अ फॉरेन कंपनी गूगल इंक USA, which is having the branch office in India and not a subsidiary in India, जिसकी सब्सिडी नहीं है इंडिया में, सिर्फ ब्रांच ऑफिस है इंडिया में, फॉरेन कंपनी है, उसका ब्रांच ऑफिस इंडिया में है, कैन बी कंसिडर्ड एज इंडियन कंपनी, क्या उस फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी मान सकते हैं इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स इंडियन बिजनेस? आंसर इज टेढ़ा मेढ़ा, टेढ़ा मेढ़ा. फॉर सम पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट यस, फॉर सम पार्ट ऑफ द कंपनीज एक्ट नो. तो यहाँ पर दोनों आंसर हैं, यस भी है और नो भी है, और दोनों आंसर सही है. फॉर यस फॉर सम पार्ट, नो फॉर सम पार्ट. फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा, इंडियन कंपनी की तरह ट्रीट किया जाएगा इन रिस्पेक्ट ऑफ इंडियन बिजनेस. अब ये कहाँ से आ रहा है? सेक्शन 379 सबसेक्शन 2. कल की लाइव चैट में एक दो लोगों ने सही बताया था, मुझे नाम याद नहीं किसने बताया था, आप खुद ही बता देना आज की लाइव चैट में अगर आपने सही बताया हो, ताकि मैं, सब लोग यस यस मत लिखना, कल वाली लाइव चैट से वेरीफाई कर लूंगा, झूठ बोले कौवा काटे. देन सेक्शन 379 सबसेक्शन 2 समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग. पॉइंट नंबर वन, वी से इफ 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 सिटीजंस ऑफ इंडिया और कंपनीज और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया और सिटीजंस एंड कंपनीज एंड और बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. वेल, अब तीन चीजें हो गई. नंबर वन, खाली सिटीजंस की बात हो रही है, नेचुरल पर्सन्स, आप मैं. नंबर टू, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, टाटा स्टील, जो इंडिया में इनकॉर्पोरेट हुई है, बॉडी कॉर्पोरेट में मतलब LIC, तो वो आ गए यहाँ पर. वेल दैट इज नंबर टू, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, LIC वगैरह आ गए, और या फिर सब लोग आ गए. सो यहाँ पर आए और यू आ गए थे. पॉइंट नंबर टू में कंपनीज आ गई थी, पॉइंट नंबर थ्री में सिटीजन्स के साथ साथ कंपनीज, इंडियन कंपनीज, बॉडी कॉर्पोरेट्स इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया. बॉडी कॉर्पोरेट इंडिया के बाहर वाली नहीं, बॉडी कॉर्पोरेट भी इंडिया के अंदर वाली, कंपनी भी इंडिया के अंदर और बॉडी कॉर्पोरेट भी इंडिया के अंदर, दोनों इंडियन, इंडियन कंपनीज, इंडियन बॉडी कॉर्पोरेट, और इसमें इंडियन LLPs भी आ जाएंगी. बॉडी कॉर्पोरेट है तो उसमें LLP इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, LLP रजिस्टर्ड इन इंडिया भी आ जाएगी, स्टैचुटरी कॉर्पोरेशन रजिस्टर्ड इन इंडिया भी आ जाएगी, और सेम टू सेम यहाँ पर भी आ गया. IU, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, LIC और LLP, लेकिन सारे कौन से वाले? इंडिया वाले, कहते हैं हमको प्यार से इंडिया वाले. सो होल्ड्स 50%, ये सब लोग मे बी फर्स्ट केस और सेकंड केस और थर्ड, और बीच में और लिखा है, मे बी कंबाइंड, मे बी अकेले अकेले और मे बी कंबाइंड टुगेदर, होल्ड 50% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ फॉरेन कंपनी अंडर सेक्शन 2 क्लॉज 42, उस फॉरेन कंपनी की जिसकी ब्रांच इंडिया में, सच फॉरेन कंपनी शेल, देन, तो वो इफ और देन का रिलेशनशिप, इफ और देन का रिलेशनशिप है, इन दोनों का आपस में कनेक्शन है. देन सच फॉरेन कंपनी शेल कंप्लाई, एक तो चैप्टर 22, सर ये क्या होता है, चैप्टर 22 मतलब कंपनीज एक्ट 2013, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया ने 29 चैप्टर्स में डिवाइड किया है, हम यहाँ पर चैप्टर 22 की बात कर रहे हैं, जिसमें सेक्शन 379 से 393A है, जो अभी नया आया है, तो उनकी बात हो रही है, न्यूली इंसर्टेड है 393A.
जिसमें सीजी के पास पावर है टू एग्जम्प्ट फॉरेन कंपनीज फ्रॉम ऑल प्रोविजंस ऑफ फॉरेन कंपनीज. ये बेसिकली चैप्टर 22 बनाया है सिर्फ फॉरेन कंपनीज के लिए गया है जिनकी इंडिया में ब्रांचेस हैं. देन तो वो 379 टू 393 ए कंप्लाई करना है. और हम कह रहे हैं देन सच फॉरेन कंपनी शैल कंप्लाई चैप्टर 22 एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट. ये प्रिस्क्राइब्ड कहां पर प्रिस्क्राइब्ड इन रूल्स पूरे कंपनीज एक्ट में. प्रिस्क्राइब्ड का एक ही मतलब होता है रूल्स मेड बाय एमसीए. और फॉरेन कंपनीज के अलग से रूल्स बने हुए हैं जिसका नाम ही रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉरेन कंपनीज रूल्स 2014. तो उन्हीं रूल्स में वो प्रोविजन प्रिस्क्राइब कर दिए जाएंगे. तो चैप्टर 22 के पर्पस के लिए और जो अदर प्रोविजंस प्रिस्क्राइब्ड हैं रूल्स में उनके पर्पस के लिए हम कह रहे हैं देन सच फॉरेन कंपनी शैल कंप्लाई विद चैप्टर 22 एंड द अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 एज इफ इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया विद रिस्पेक्ट टू. इसमें एक लाइन और ऐड करके दे रहा हूं मैं आपको तो ही वो कंप्लीट होगा, अभी भी कंप्लीट नहीं है. शैल कंप्लाई विद चैप्टर 22 एंड अदर प्रिस्क्राइब्ड प्रोविजंस ऑफ द कंपनीज एक्ट विद रिस्पेक्ट टू इट्स इंडियन बिजनेस एज इफ. अब ये लाइन कंप्लीट है एज इफ इट वर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, जैसे कि वो कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया हो इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में. तो हम ये नहीं कह रहे कि वो फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी है, नो. हम कह रहे हैं कि वो इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में कुछ प्रोविजंस थोड़े से प्रोविजंस को कंप्लाई करेगी एज इफ इट इज अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया, जैसे कि कोई मेड इन इंडिया कंपनी कोई कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया कंप्लाई करती उसी तरीके से कंप्लाई करेगी. घुमाकर इसको उल्टे तरीके से बोलें, सही तरीका तो नहीं बोलूंगा लेकिन गलत तरीके से बोलें कि हाँ जी उस फॉरेन कंपनी को इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा फॉर सम प्रोविजंस चैप्टर 22 के कंप्लायंस के लिए और प्रिस्क्राइब प्रोविजंस के लिए, अगर वो ऊपर जो इफ वाली कंडीशन है अगर वो कंप्लाई हो जाती है तो आप नीचे देन में आ जाएंगे. तो पहले स्टेप वन में इफ वाली कंडीशन कंप्लाई कर लीजिए और फिर स्टेप टू में जो देन में लिखा है उसमें आ जाइए. इसको दो पार्ट्स में तोड़ के पढ़िएगा, स्टेप वन स्टेप टू इफ और देन. अगर फर्स्ट कंडीशन कंप्लाई हो जाती है तो आप सेकंड कंडीशन में आएंगे. कहानी समझ में आ गई सबको. और सेकंड केस में अगर सही तरीके से बोलूं तो फॉरेन कंपनी को कुछ सिलेक्टेड कंपनीज एक्ट के प्रोविजन कंप्लाई करने हैं अपने इंडियन बिजनेस के रिस्पेक्ट में, जैसे कि कोई इंडियन कंपनी वो प्रोविजंस कंप्लाई करती उस तरीके से, ये कहा लॉ मेकर ने. शॉर्टकट में घुमाकर बोल देते हैं हाँ जी इस फॉरेन कंपनी को ना इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा फॉर द पर्पस ऑफ सम सेक्शंस इन द कंपनीज एक्ट. अब वो आपके ऊपर है कि आप उस तरीके से कहना चाहें तो कहें, नहीं कहना चाहें तो ना कहें. तो ये छोटे बच्चों वाला तरीका होता है बोलने का. मैं उस येस और नो के चक्कर में अब नहीं पढ़ूंगा, मैं येस और नो के चक्कर में नहीं पढ़ूंगा. मैं सिर्फ यही कहता हूँ जो लॉ मेकर ने लॉ में लिखा है ना वही फॉलो करो वर्ड बाय वर्ड, वो बेस्ट रहता है. उसको अपने तरीके से अपने शब्दों में घुमाया कुछ गलत ही हो जाएगा और कल को मामला कोर्ट में पहुंच गया जज साहब कान के नीचे लगाएंगे दो. हाँ जी फ्री गिफ्ट, फ्री गिफ्ट क्या दे रहा हूँ, एक तो बता दिया आपको शेड्यूल मिलने वाला है, शेड्यूल 60 डेज का एग्जी ग्रुप वन वालों को भी और एग्जी ग्रुप टू वालों को भी बना बनाया वर्ड फाइल में शेड्यूल मिलने वाला है. और मैं होता तो मैं वो शेड्यूल उसी तरीके से फॉलो करता. आप फ्लेक्सिबिलिटी ले सकते हो अपने शेड्यूल के हिसाब से, यू कैन टेक द फ्लेक्सिबिलिटी. और मैं पीडीएफ फाइल देने वाला हूँ आपको उन क्वेश्चंस की जो मैं अभी आपसे पूछने वाला हूँ, तो वो पीडीएफ फाइल भी आपको मिलने वाली है. और अब क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं, क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं एंड वी आर गोइंग टूवर्ड्स अवर वेब सीरीज फाइनली. वो वेब सीरीज की तरफ जा रहे हैं और एपिसोड वन की तरफ जा रहे हैं. एंड बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस लेकर नहीं आया हूँ आज मैं आपके लिए, थोड़े से क्वेश्चंस हैं. आई विल टेक लाइक 10-15 मिनट्स मोर, 10-15 मिनट और लूंगा आपके, मे बी अनदर मैक्सिमम हाफ एन आवर, ज़्यादा से ज़्यादा आधा घंटा. और वो वेब सीरीज का पार्ट वन आज मैं आपको करवा दूंगा. ये वो शेड्यूल है 60 डेज का फॉर अगस्त 2021 एग्जाम्स और आपको डेट वाइज बताया हुआ है, लेकिन इसके अंदर मैं कहूँगा ऊपर नीचे आप चेंज कर सकते हैं. इससे आपको आइडिया लग जाएगा कौन सा चैप्टर कितने घंटे में रिवाइज हो जाना चाहिए. मैं होता आपकी जगह तो मैं उतने घंटे में ज़रूर रिवाइज कर लेता. और इसमें कंपनी लॉ का भी दिया है, एसयूबी का दिया है और जेआईजीएल का भी दिया है आपको, सब कुछ डेट वाइज लिख कर आवर्स वाइज आप ऊपर नीचे कर सकते हो. और मैं भी होता तो मैं भी ऊपर नीचे कुछ कर लेता, फ्लेक्सिबिलिटी ले लेता, लेकिन मैं अपनी आउटपुट ज़रूर पूरी निकाल देता ये सोच कर कि मुझे
वेल अभी आपको थोड़ा सा आइडिया दूंगा शेड्यूल के बारे में, और थोड़ा सा वेट कीजिए कि मुझे अपने टाइम के हिसाब से बस जो मेरा 10 दिन का शेड्यूल है 10 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, जो मेरा 15 दिन का शेड्यूल है 15 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, बाद वाले टॉपिक पहले, पहले वाले बाद में कोई फर्क नहीं पड़ता, और जो मेरा 30 दिन का शेड्यूल है 30 दिन में पूरा हो जाना चाहिए, पहले वाले टॉपिक बाद में कर लिए, बाद वाले पहले कर लिए, कोई इतना फर्क नहीं पड़ता है, हो जाना चाहिए बस सब कुछ, आउटपुट पूरी आ जानी चाहिए दिन की आपके लिए। इससे पहले कि आगे बढ़ूँ, आप फटाफट एक चीज़ बता देना आप वेल लाइव चैट के अंदर, या फिर अगर आप लाइव चैट खत्म होने के बाद देखोगे तो कमेंट्स के अंदर, कि आप क्या चाहते हो वेब सीरीज में, अब मैं कौन सा टॉपिक पहले करवाऊँ। मेरी तरफ से सारे चैप्टर तैयार हैं, ये चारों के चारों तैयार हैं, प्रॉस्पेक्टस, टाइप्स ऑफ कंपनीज, क्वेश्चन आंसर्स, कौन से चैप्टर के पहले करवाऊँ, पास्ट क्वेश्चन आंसर्स, मतलब कल से परसों से हम क्या शुरू करें, दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग, टुमारो व्हाट शुड आई कम अप विद, कल मैं क्या लेकर आऊँ। एंड देन कुछ लोग तो टाइम भी चेंज करने के लिए बोल रहे हैं, अभी टाइम चेंज नहीं करते हैं फॉर द टाइमिंग, अभी टाइम चेंज नहीं करते हैं, कल एक बार मैं आपसे और पूछूंगा कि टाइम का क्या करें। एंड देन डिवेंचर्स, मॉर्गेजेस, चार्जेस लिख देना लाइव चैट में, जो भी आप चाहते हो, चूज एनी वन, दो दो मत लिखना, और जिस चीज की वेब सीरीज चाहते हो उसी का ब्रह्मास्त्र, तो जो आप चाहते हो हम वही साथ साथ पैरेलल दोनों शुरू कर देंगे, ब्रह्मास्त्र भी और वेब सीरीज भी दोनों शुरू हो जाएंगे पैरेलल एक साथ। सो विल मेंशन दैट, हाँ, एंड नाउ आई मूव ऑन टू द एपिसोड नंबर 1। तो श्री गणेश करते हैं अब हम फाइनली, जय माता दी। और आज मैं ज्यादा कुछ नहीं करवा रहा हूँ, ऑलरेडी आपने 1.5 आवर मुझे दे दिया है इन सारे कॉन्सेप्ट को सही करने में जो पिछले दिनों में गलत हो गए। बस मुझे यही चिंता थी कि पिछले दिनों में जो गलत कॉन्सेप्ट कहीं इधर उधर से यूट्यूब चैनल से बन रहे हैं वो सबसे पहले आपके सही हो जाएं, और अगर पहले ही सही थे तो बड़ी अच्छी बात है, और ऑल्टर ईगो तो समझ में आया ही होगा, 379 सबसेक्शन 2 तो समझ में आया ही होगा, ऑब्वियसली कुछ तो आज नया लेकर जा ही रहे हैं जो पहले नहीं पता था। देन वेल ये जो क्वेश्चन हैं, सालोमन चैप्टर लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, लेकिन अब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग और ज़्यादा हो जाएगी आपकी। सो बच्चे कुछ टाइम में वेल आई विल से, और थोड़ा सा मार्किंग ट्रेंड के हिसाब से देख लेते हैं, क्वेश्चन 3 नंबर का है तो आंसर कितना बड़ा लिखना है, और इसकी PDF फाइल तो आपको क्वेश्चंस की मिल जाएगी आपको इस पर्टिकुलर इसी पर्टिकुलर वीडियो के नीचे आपको, लेकिन आंसर्स नहीं मिलेंगे, आंसर्स नहीं मिलेंगे, क्वेश्चंस आप देख लो यहाँ पर, और आंसर्स अपने आप लिखना, फिर अगर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करनी है तो ये सामने आंसर भी लिखा हुआ है, राइटिंग प्रैक्टिस कर लेना। तो हम चैप्टर वाइज चल रहे हैं, चैप्टर नंबर 1 सालों। सर ऐसी कैसी बातें कर रहे हो सर, आंसर भी दे दो, आंसर भी दे दो सर, ऐसे कैसे सर, हमारा तो, हम तो सर वो क्या बोलूँ, रट्टू तो होता है सर, रटवा दो, सॉरी मैं आप लोगों को टेप रिकॉर्डर नहीं बनाना चाहता, टेप रिकॉर्डर मैं सही बता रहा हूँ वो, मैं कहता हूँ छोटे बच्चों को भी बाबा ब्लैक शिप याद नहीं करवाना चाहिए, क्या रट्टा मरवा रहे हैं आप, टेप बच्चों को टेप रिकॉर्डर बनाना चाहते हो, वो बचपन वाली आदतें पड़ी हुई आज तक, टीचर्स खुशी खुशी बोलते हैं मैं तुम्हें रटवा दूंगा, थप्पड़ लगाने का मन करता है काम के नीचे ऐसे टीचर्स के नीचे, कान के नीचे, स्पेशली CS के अंदर जो CS वाले टीचर्स बोलते हैं कंपनी लॉ रटवा दूंगा, इंटरप्रिटेशन करना नहीं सिखाऊंगा, बेरेक पढ़ना नहीं सिखाऊंगा, बेरेक से नहीं सिखाऊंगा, रटवा दूंगा, चलो आग थू, अच्छा दे दूंगा आंसर्स भी, दे दूंगा आंसर्स भी, दे दूंगा आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील, एंड थैंक यू जरूर लिख देना फिर लाइव चैट के अंदर, आंसर्स भी दे दूंगा, एक्सप्लेन पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील, और PDF मिल जाएगी इसी वीडियो के नीचे आपको, लेकिन वो अभी नहीं मिलेगी, वो PDF मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली 2 घंटे बाद, आफ्टर 2 आवर्स। एक्सप्लेन पियर्सिंग थ्रू द कॉर्पोरेट व्हील एंड सेपरेट लीगल एंटिटी ऑफ द कंपनी इज, अब इसमें अब मुझे बताना नहीं कुछ आपको, पियर्सिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील और लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील मैं क्या बताऊंगा आपको, सब ऑलरेडी पता ही है। अब वो वेल अगर कंपनी के पर्दे का जो कंपनी का कॉर्पोरेट व्हील है उसका गलत इस्तेमाल होता है फ्रॉड के लिए, तो उस केस में व्हील को उठा दिया जाएगा, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, या उसके अंदर छेद करके हाथ अंदर डाला जाएगा, और अंदर किसकी गर्दन पकड़ी जाएगी, फ्रॉडुलेंट डायरेक्टर्स की, और उनको लायबल बनाया जाएगा। 3 मार्क्स एग्जामिनेशन क्वेश्चन, इसमें ना तो आपको सेक्शन बताने हैं कंपनीज एक्ट के जिसमें लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील होता है, बहुत सारे सेक्शन हैं कंपनीज एक्ट के, और ना आपको इसमें कोई डिसाइडेड केसेस बताने हैं, सिंपल आपको बस बताकर आ जाना कि व्हील का इस्तेमाल सही काम के लिए कीजिए, गलत काम के लिए किया तो व्हील विल बी लिफ्टेड। क्वेश्चन नंबर 2, आई गो ऑन फर्दर विद दैट, एंड दिस इज सिंपल क्वेश्चन, एनुअल जनरल मीटिंग हो रही है भाई, चल रही है, अमर प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, सारे के सारे शेयर होल्डर्स ही बैठे हैं, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ऑल शेयर होल्डर्स
were killed. सभी की डेथ हो गई. All shareholders were killed in the bomb blast. State whether the company is still in existence. क्या वो कंपनी अभी भी existence में है? If yes, then so how? अगर existence में है तो कैसे existence में? तो that's a question. और हमें एक चीज मालूम है, members may come and members may go, but the company goes on forever. And this is perpetual succession. और अगर सारे shareholders की death हो भी गई है तो उनके शेयर्स कहाँ चले जाएंगे? उनके लीगल हायर्स के पास, लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स के पास, एंड द कंपनी विल स्टिल कंटिन्यू. अगर हाइड्रोजन बॉम्ब से कंपनी उड़ा भी दी है, बॉम्ब ब्लास्ट से कंपनी के सारे शेयर होल्डर्स मर भी गए हैं, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन, सेपरेट लीगल एंटिटी इन द आईज ऑफ लॉ. पता है आपको, कंपनी इज स्टिल अलाइव. कुछ बेवकूफ स्टूडेंट्स एग्जाम में एजीएम के बारे में लिखाते हैं, हाँ एजीएम नहीं हुई तो एजीएम सेक्शन 96 में नहीं हुई तो उसका 99 सेक्शन 99 में जो फाइन पेनल्टी दिया हुआ वो लगेगा, वो लिखाते हैं. अबे वो पूछा ही नहीं था, पूछा ही नहीं था. पूछा क्या था? वेदर द कंपनी इज स्टिल इन एग्जिस्टेंस, ये पूछा था क्वेश्चन, ये पूछा था, ये बताना था. लिखाते हैं कुछ और. क्वेश्चन नंबर 3, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट इज बीइंग एन आर्टिफिशियल पर्सन नॉट एंटाइटल्ड टू स्यू अ नेचुरल पर्सन. कंपनी आर्टिफिशियल पर्सन है तो वो नेचुरल पर्सन को स्यू नहीं कर सकती है. कर सकती है नहीं कर सकती है? और सीयू अदर कंपनी इज नॉट एंटाइटल टू सीयू. आंसर इज रॉन्ग. दिस इज अ फॉल्स स्टेटमेंट, दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट. कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन एंड इट कैन सीयू एंड बी सीयूड इन इट्स ओन नेम. सूट फाइल करना, सीयू करने का मतलब सूट फाइल करना. तो पता ही है आपको, कंपनी इज एंटाइटल टू सीयू अ नेचुरल पर्सन और सीयू अनदर पर्सन. सो द अबव स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. ऐसे ही पूछ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में एट टाइम्स, कि बताओ करेक्ट है या इनकरेक्ट है. राइट अ शॉर्ट नोट, गिव अ कमेंट, 4 मार्क्स, 5 मार्क्स. अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड, नेक्स्ट वन, अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट नेवर डाइज एक्सेप्ट व्हेन इट इज वाउंड अप. हां जी, वाइंडिंग अप होता है तभी डेथ होती है. वाइंडिंग अप इज द प्रोसीजर टू ब्रिंग द डेथ ऑफ द कंपनी. एंड जब वाइंडिंग अप कंप्लीट हो जाता है तो हम कहते हैं कंपनी डिसॉल्व हो गई, फाइनल डेथ ऑफ द कंपनी. याद होगा ना, सबको याद होगा आई बिलीव. ये तो नई चीज तो कोई बता नहीं रहा हूँ आपको, सबको पहले से ही पता है. सो वाइंडिंग अप में लिक्विडेटर अपॉइंट होता है, लिक्विडेटर सारी एसेट सेल ऑफ करता है, कैश आता है, लायबिलिटीज पे ऑफ करता है, लास्ट में कुछ बच गया प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को देता है, फिर कुछ बच गया इक्विटी शेयर होल्डर्स को देता है. और मैं अभी उस सब में नहीं जा रहा हूँ, वो वाटरफॉल मैकेनिज्म में आज नहीं जाऊँगा. ऑब्वियसली मैं प्रज्यूम कर रहा हूँ आप पढ़े लिखे हो, आपको सबको आता है, सबको जहाँ से भी आपने जैसे भी पढ़ा है अपने अपने लेवल पे आप सबको आता ही आता है. सो वेल सेल्फ स्टडी की है या किसी और टीचर से पढ़ा है या मुझसे पढ़ा है, लेकिन अपने लेवल पे आपको आता ही होगा वाटरफॉल मैकेनिज्म. सही आता होगा, गलत आता होगा, जैसा भी आता होगा, लेकिन आता होगा. देन कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से हम कहते हैं कंपनी की तब तक डेथ नहीं होती जब तक वाइंडिंग अप नहीं होता. तो सच है, वाइंडिंग अप होगा, फिर जब वाइंडिंग अप में सब खत्म हो जाएगा और लास्ट में इक्विटी शेयर होल्डर्स की पेमेंट हो जाएगी, लिक्विडेटर अपनी रिपोर्ट फाइल करेगा और उसके बाद हम कहेंगे कि कंपनी डिसॉल्व हो गई, कंपनी की फाइनल डेथ हो गई, डिसॉल्यूशन ऑफ द कंपनी. एक केस है, ओनली वन केस इन द होल कंपनीज एक्ट जहां पर वाइंडिंग अप होता ही नहीं है और डायरेक्ट कंपनी डिसॉल्व हो जाती है, अमलगमेशन ऑफ वन एग्जिस्टिंग कंपनी इनटू अनदर कंपनी. याद होगा आपको शायद, अमलगमेशन ऑफ वन कंपनी इनटू द अदर एग्जिस्टिंग कंपनी. ए लिमिटेड इज अमलगमेटेड इनटू बी लिमिटेड, ऑल द एसेट्स ऑल द लायबिलिटीज 100% ऑफ ए लिमिटेड आर ट्रांसफर टू बी लिमिटेड. बी लिमिटेड इश्यूज न्यू शेयर्स टू द शेयर होल्डर्स ऑफ ए लिमिटेड, existing shareholders of A limited, and the shareholders of A limited they become shareholders of B limited. सब कुछ B limited के पास चला गया, and shareholders जो उनके shareholder जिनके जो भी पुराने share थे shareholders of A limited के पास, जो पुराने share थे A limited के, वो cancel हो गए, खत्म हो गए, बदले में उनको B limited के shareholder मतलब shares मिल गए. So the shareholders of A become shareholders of B. roughly बात कर रहा हूँ, बहुत ज़्यादा technicalities में नहीं जा रहा हूँ. creditors of A limited become creditors of B limited, या फिर उनको भी उनके लोन के बदले में बी के शेयर्स मिलके दे आल्सो बिकम शेयरहोल्डर्स ऑफ बी लिमिटेड. बहुत कुछ है बताने के लिए, अमलगमेशन का पूरा लेक्चर आप देख लेना मेरा लेक्चर नंबर 1 यूट्यूब के ऊपर, पहले 2 आवर्स अमलगमेशन पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 सब है यूट्यूब के ऊपर, आज भी डला हुआ पूरा चैप्टर ये एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम के लिए. तो आई विल से वंडरफुल कॉन्सेप्ट्स देयर. फाइनली बस इतना बोल रहा था कि ए लिमिटेड वाइंडिंग अप में नहीं जाएगी. A limited रह गई पेपर कंपनी, नो एसेट्स नो लायबिलिटीज, सब कुछ ट्रांसफर हो गया B को. अब वो जो पेपर कंपनी है वो डिसॉल्व हो जाएगी, डायरेक्टली डिसॉल्व हो जाएगी, NCLT ऑर्डर आएगा डिसॉल्व.
A Limited without winding up, without following the procedure of death, direct death of A Limited, क्योंकि उसमें कोई assets नहीं है, liabilities नहीं है, सब कुछ तो B Limited के पास चला गया, जब कुछ है ही नहीं, paper कम नहीं है, खाली कम नहीं है, तो direct dissolution, direct death without any winding up. So company incorporated never dies except when it is wound up. In general, yes. In general, yes. One exception, and that is section 232. जब हम बोलते हैं amalgamation of A Limited into B Limited, तो A plus B is equal to B बना दिया, A Limited plus B Limited is equal to B Limited, all the assets and liabilities of A are transferred to B. So, however, in case of merger or merger का ही दूसरा नाम amalgamation, the transferor company, हमारे केस में transferor company A Limited, वो dissolve हो जाती है without winding up. So, the last line is important. कहानी में twist. Then question number 5, without wasting time, moving on further, आगे बढ़ते हैं, and well, I'll take in the 10 minutes of yours, explain clearly the meaning of lifting of corporate veil. अब लंबा question आ गया यहाँ पर. Examine as per the judicial decision, state the corporate veil can be lifted in the following cases. Corporate veil has been used for improper conduct. Well, or it is used to oppose the workman. सारे decided cases कर चुके हैं आप लोग पहले, मैंने तो करवाई है अपने बैच में, एंड आई होप आप लोगों ने जहां से भी किया जैसे भी किया ये सब कुछ तो आप लोगों ने पढ़ा ही होगा. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट वील जैसा जो क्या बोलूं लड्डू टॉपिक है, लॉलीपॉप है, ये तो सबको आता ही है, और ये केसेस तो ICSI मॉड्यूल में है और सब लोगों ने पढ़े ही होंगे. तो आई एम नॉट रिपीटिंग टुडे, मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ इस वाले चैप्टर में, तो बिल्कुल जरूरत नहीं लगती मुझे. बाकी आगे ज्यादा डिटेल में रहेंगे ऑब्वियसली जब हायर लेवल के चैप्टर्स आएंगे, यहाँ मैं रिपीट नहीं करूंगा. तो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल भी अगर मैं आज पढ़ाऊंगा तो मैं कहूंगा शेयर वेस्टेज ऑफ योर टाइम, शेयर वेस्टेज ऑफ माय टाइम. अगर आप अगस्त 2021 में एग्जाम दे रहे हो और मैं आपको लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल पढ़ा रहा हूँ, फिर भी कहेंगे तो पढ़ा दूंगा, वो लिख देना लाइव चैट में यस सर पढ़ा दो, तो फिर मैं पढ़ा दूंगा. देन सिक्स पर्संस आर ओनली, लेकिन आज वाले सेशन में नहीं, नेक्स्ट सेशन में पढ़ा दूंगा, वो देख लूंगा कि यस और नो आता है, आप टाइम वेस्ट करना चाहते हो या खुद से पढ़ना चाहते हो या सेशंस का टाइम लगाना चाहते हो. यहाँ पर सिक्स पर्संस आर ओनली मेंबर्स ऑफ द टैब प्राइवेट लिमिटेड, ऑल ऑफ देम प्राइवेट कंपनी है, छह मेंबर हैं, कोई और है नहीं. ऑल ऑफ देम वेंट टू यूएसए, सारे गए थे अमेरिका घूमने, लॉस एंजल्स ऑन अ प्लेजर ट्रिप. प्लेजर ट्रिप तो मतलब कहीं मियामी गए होंगे घूमने के लिए या एलए, बिजनेस करने के लिए तो गए नहीं थे. बाय एरोप्लेन, रास्ते में प्लेन क्रैश हो गया, और कहाँ चले गए, स्वर्ग की यात्रा पे या नर्क एज द केस में भी जो भी रहा होगा हिसाब किताब. तो क्या वो टैब प्राइवेट लिमिटेड अभी भी एग्जिस्ट करती है, तो आंसर इज वंस अगेन यस. और हम बार बार वो वर्ड्स यूज कर रहे हैं, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, परपेचुअल सक्सेशन, दैट्स इट. कंपनी मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट द कंपनी गोज ऑन फॉरएवर. एक दो ट्विस्ट आने वाले हैं कहानी में, बड़े इंपॉर्टेंट ट्विस्ट आने वाले हैं. मेंबर्स ऑफ द कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन द कंपनीज एक्ट 2013 आर द एजेंट्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर देयर एक्ट्स. कंपनी कैन बी हेल्ड लायबल फॉर देयर एक्ट्स, तो माना जाए या नहीं माना जाए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. और ऑल्टर ईगो भी आता है अब तो, आपको यू नो दैट. सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुनील भारती मित्तल वर्सेस सीबीआई. Members of the company incorporated in the company, incorporated in the company, and they are agents of the company. Therefore, company can be held liable for their acts or not. सोचने वाला question है, सोचने वाला सही. दो answer बनते हैं. In general, no. मैं एक company में shareholder हूँ. Reliance Industries Limited के shares हैं मेरे पास आज की तारीख में. आज मैं छोटा सा shareholder हूँ. मतलब 100-200 share जो भी हैं, whatever. 120 share हैं, 120 shares मेरे हाथ में. रिलायंस मतलब कहाँ, रिलायंस में करोड़ों शेयर्स हैं, मेरे पास सिर्फ 120 शेयर्स हैं. मैं क्या करूँगा कंपनी के बिहाफ पर, क्या एक्टिविटी करूँगा. हम बोलने के लिए बोल रहे हैं मेंबर्स ऑफ द कंपनी आर एजेंट्स ऑफ द कंपनी, देयरफॉर द कंपनी इज हेल्ड लायबल फॉर देयर एक्ट्स. इन जनरल द आंसर इज नो, इट इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट.
इन जनरल इट इज रॉन्ग स्टेटमेंट बट अगर मैं कहूं सुब्रता रॉय होल्ड्स 70% शेयर्स ऑफ सहारा इंडिया लिमिटेड वोटिंग राइट्स और सबको अपने दम पर चलाता है वो बंदा, सारे डायरेक्टर्स उसके आगे पीछे घूमते हैं एंड ही इज नॉट अ डायरेक्टर ऑफ द कंपनी, लेकिन वो कंपनी के बिहाफ पर एक्ट भी करता है, मैंसरिया फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, 36,000 करोड़ का डिपॉजिट लिया पब्लिक से, रीपे नहीं किया, सुब्रता रॉय सुप्रीम कोर्ट में अपीयर होते हैं, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, समन जाता है, अरेस्ट वारंट जाता है, लखनऊ वाले पैलेशियल हाउस से अरेस्ट करके सुप्रीम कोर्ट लाया जाता है, तिहाड़ जेल दिल्ली में डाल दिया जाता है, शेयर होल्डर है, नॉट अ डायरेक्टर, बट माना गया शेडो डायरेक्टर, क्या मान लिया गया, ही इज शेडो डायरेक्टर, क्योंकि इसके कहने पर सारे डायरेक्टर्स नाचते हैं इसकी उंगलियों के इशारे पर, ही इज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने कहा ही इज शेडो डायरेक्टर, और क्या अप्लाई किया, डॉक्ट्रिन ऑफ ऑल्टर ईगो, कि सुब्रता रॉय अगर मेंस रिया गिल्टी माइंड से कुछ कर रहे हैं तो कंपनी को भी गिल्टी माना जाए, तो एक लेवल आगे जाने वाली बात है, मतलब दैट इज गोइंग वन लेवल फर्दर, सोचने वाली बात है, इन जनरल द अबव स्टेटमेंट इज रॉन्ग, मतलब लाखों शेयर होल्डर हैं वो समझ में आ गया आपको, पहले वाला एग्जांपल मेरा रिलायंस वाला, बट दिस इज एन एक्सेप्शन, और ये एक्सेप्शन क्या है, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, कंट्रोलिंग शेयर होल्डर, मुकेश अंबानी इज कंट्रोलिंग शेयर होल्डर ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड, कुछ लोग मुकेश अंबानी को मुकेश भाई कहते हैं, चाहे उस भाई ने अपने अनिल भाई को उजाड़ दिया, लेकिन कुछ लोग मुकेश भाई कहते हैं, मैं हैरान होता हूँ कि भाई मुकेश भाई का भाई बनने में क्या फ़ायदा होने वाला है, वो तो भाई को भी नहीं छोड़ता, सगे भाई को नहीं छोड़ा तुम्हें क्या छोड़ेगा, और तुम उसको भाई भाई क्यों कह रहे हो, वो तो तुम्हें जानता भी नहीं है, तुम तो एग्जिस्ट भी नहीं करते उसके लिए, थ्री कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड, मतलब हमने उसका रिलायंस जियो कनेक्शन ले रखा है घर पे, तो इसलिए वो हमारा भाई हो गया, थ्री कंपनीज इनकॉर्पोरेटेड विद द सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर तीन कंपनीज के सेम सेट ऑफ शेयर होल्डर्स हैं, दे आर ट्रीटेड एज सेम कंपनी, यस और नो, तो आर दे ट्रीटेड एज सेम कंपनी, एंड द आंसर इज नो, दीपक गजरानी ने तीन कंपनीज बनाई, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, थ्री कंपनीज आर थ्री कंपनीज, दे आर नॉट वन कंपनी, क्लियर है, सिंपल, इस स्टेज पर आकर मुझे ये सब कुछ डिटेल में आज वाले सेशन में जाने की जरूरत नहीं, आज वेब सीरीज की शुरुआत है, लेकिन आगे आएंगे वो वाले क्वेश्चन टेढ़े मेढ़े वाले जिनमें डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है, स्पेशली आल से जनरल मीटिंग का चैप्टर, स्पेशली आल से बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का चैप्टर, जहां आराम से चलना पड़ेगा वेब सीरीज के अंदर, यू अंडरस्टैंड दैट कंपनी, लेकिन अभी चार ऑप्शन दिए हैं आपको, चूज वन ऑप्शन एंड आई होप यू हैव ऑलरेडी चूजन, अगर चूज नहीं किया तो वो आप चूज कर लेना इन द वेलकम इन बॉक्स लेटर ऑन, अ कंपनी इज आर्टिफिशियल ज्यूरिस्टिक पर्सन, इट डज नॉट हैव सिटीजनशिप, इसके पास सिटीजनशिप नहीं होती, इसके पास सिटीजनशिप नहीं होती, तो वो हमें मालूम ही है, हमने सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स किए हुए हैं, तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं है, कंपनी इज आर्टिफिशियल पर्सन बट कंपनी इज नॉट सिटीजन ऑफ इंडिया, लेकिन 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 कंपनी को सिटीजनशिप राइट्स मिलते हैं इनडायरेक्टली, जो हम लोगों के पास भी हैं इनडायरेक्टली, थ्रू इट्स मेंबर्स शेयर होल्डर्स हु आर सिटीजन ऑफ इंडिया, याद है, इससे ज़्यादा डिटेल में आज नहीं जाऊँगा, बाकी तो आंसर ये पूरा लिखा हुआ है, और ये वो केसेस हैं जो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं पहले भी, वी हैव डन इट, फिर से बोल रहा हूँ क्योंकि चैप्टर बहुत लल्लू लॉलीपॉप चैप्टर है, लड्डू चैप्टर है, इसलिए सब कुछ नहीं कर रहा हूँ, नाउ दिस इज इंपॉर्टेंट केस कमिंग अप, जो सिर्फ इंपॉर्टेंट वाले हैं वही, वेल उन पर थोड़ा सा टाइम लगाना चाहूंगा, इस चैप्टर में फिट भी नहीं होता लेकिन एग्जाम में आया तो पता होना चाहिए, वर्कर्स यूनियन ब्रेव लिमिटेड वेंट ऑन स्ट्राइक डिमांडिंग इंक्रीज्ड वेजेस एंड वेलफेयर मेजर एंड ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द स्ट्राइक, वर्कर यूनियंस ऑफ ब्रेव लिमिटेड जो है वेल स्ट्राइक पे चले गए, स्ट्राइक पे, यू नो दैट, हमारी मांगे पूरी करो, हड़ताल, काम बंद एंड ऑल दैट, उसके बाद उन्होंने उसकी वीडियोज भी बना ली,
जब वो नारेबाजी कर रहे होंगे, फैक्ट्री के बाहर खड़े होंगे, फैक्ट्री के अंदर खड़े होकर मशाले लेकर खड़े होंगे, नारेबाजी कर रहे होंगे झंडे लेकर, उसकी वीडियोज भी बना ली कि एजिटेशन हमने किया, फिर वो वीडियोज उन्होंने जगह जगह सर्कुलेट भी कर दी, न्यूज चैनल पे भी डाल दी। अब कंपनी उनके अगेंस्ट सूट फाइल करती है फॉर डिफेमेशन, यू नो दैट टॉर्ट्स में पड़ा हुआ है ना आपने टॉर्ट, ये तो टॉर्ट का केस है, कंपनी लॉ में आ गया। बस अब सवाल ये कि ये टॉर्ट है या नहीं है, डिफेमेशन है या नहीं है, और इस केस में कंपनी सक्सीड करेगी या नहीं करेगी, ये आपसे पूछा गया। और इंजंक्शन ऑर्डर मांग रहे हैं, स्टे ऑर्डर, कि ये जो वीडियो सर्कुलेशन कर दिए जगह जगह, इन सबको रोक दिया जाए, न्यूज चैनल्स के ऊपर ना दिखाया जाए। अब मान लो वो फैक्ट्री है जैसे मारुति उद्योग लिमिटेड गुड़गांव में, तो उसके बाहर ही फैक्ट्री के दरवाजे पे पेट्रोल डालकर आग लगा दी और बहुत कुछ हुआ, मार कुटाई हुई वहां पर, और उसकी वीडियोस बना ली, वो सर्कुलेट हो गई सब। कंपनी अपनी उस वर्कर यूनियन के अगेंस्ट, मारुति उद्योग लिमिटेड, कैन दे फाइल सूट? प्रैक्टिकली ये केस हो चुका, कैन दे फाइल सूट अगेंस्ट वर्कर यूनियन की? आपने कंपनी को डिफेम किया, कंपनी की इज्जत खराब हुई, स्टॉक मार्केट में कंपनी का शेयर क्रैश हो गया, कैन द कंपनी फाइल द सूट फॉर डिफेमेशन, कि कंपनी की इज्जत खराब हुई है? दो बातें, नंबर वन, कंपनी इज अ सेपरेट लीगल एंटिटी, कंपनी इज केपेबल ऑफ सूइंग एंड बीइंग सूड इन इट्स ओन नेम, सूट फाइल करने की लीगल ताकत है, लेकिन यहाँ पर वेल डिफेमेशन का केस बनता नहीं। डिफेमेशन होता है जब झूठ बोलकर किसी की इमेज खराब की जाती है। अरे भाई, एजिटेशन हुआ था वहाँ पर, हड़ताल हुई थी, लोगों ने वहाँ पैदल मार्च किया था, डंडे निकाल कर खड़े थे, उसी की वीडियोज बनाई जो सच है, वो डाला मीडिया पे। सच को मीडिया पे दिखाने से डिफेमेशन नहीं होता, किसी की इमेज झूठ बोलकर खराब करने से डिफेमेशन होता है। अगर मैं किसी की इमेज सच बोलकर खराब कर रहा हूँ, तो वो टीचर मेरे अगेंस्ट, वैसे तो मैंने नाम किसी का लिया नहीं, लेकिन समझने वाले समझ रहे होंगे कि हमारा नाम लिया है, वो उनकी मर्जी है, मैंने तो किसी का नाम भी नहीं लिया। बाकी चोर की दाढ़ी में तिनका, या किसी की दाढ़ी पूरी काली है, मतलब दाढ़ी में तिनके ही तिनके हैं, मुझे नहीं मालूम। सो नाउ द पॉइंट इज कि अगर मैं सच बोलकर किसी का नाम खराब कर भी देता हूँ और मैं वो प्रूव करके दिखा देता हूँ, तो डिफेमेशन बनेगा ही नहीं। हाँ, कोई झूठ बोलकर मेरा नाम खराब करता है या मैं झूठ बोलकर किसी का नाम खराब करता हूँ, तो डिफेमेशन का केस बनता है। इस केस में देर इज नो डिफेमेशन केस। इन अबव केस ब्रेव लिमिटेड कैन नॉट सक्सीड, और कुछ भी एक्शनेबल नहीं हुआ, अनलेस द कॉन्टेंट्स आर वेल फॉल्स और डिफेमेटरी रियली, दैट वे स्पीकिंग। लास्ट वन, एंड दिस इज लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील के ऊपर लंबा सा नोट लिखिए, लंबा सा नोट। हाँ, और उसमें क्या बोला गया, कंपनीज एक्ट डज नॉट प्रोवाइड फॉर स्टैट्यूटरी रिकॉग्निशन टू द लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील। कंपनीज एक्ट में लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील जैसा कुछ है ही नहीं। सच है या झूठ है? तो मैं कहूँगा दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग स्टेटमेंट, क्योंकि कंपनीज एक्ट में तो जगह जगह लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है। हर वो सेक्शन कंपनीज एक्ट में कम से कम 100 सेक्शंस में तो लिखा होगा कि ऑफिसर इन डिफॉल्ट को या डायरेक्टर को पेनल्टी होगी या फाइन होगा या जेल है। तो वो क्या है, लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील, कंपनी का पर्दा हटाया, कॉर्पोरेट व्हील हटाया, और अंदर जो डायरेक्टर बैठे हैं, ऑफिसर इन डिफॉल्ट बैठे हैं, KMP कंपनी सेक्रेटरी, अगर उनको जेल हो रही है, फाइन हो रहा है, पेनल्टी हो रही है, तो वो लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट व्हील है। तो ये तो रॉन्ग स्टेटमेंट है। यहाँ तो मैं 100 अलग अलग सेक्शन के नंबर लिखकर, लंबा सा आंसर लिखकर प्रूव कर सकता हूँ कि ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। इट डिपेंड्स की अगर क्वेश्चन अगर 16 नंबर का 20 नंबर का आ गया, तो मैं तो इतने सारे पॉइंट लिखाऊंगा उसके अंदर, 20 मार्क्स कंपलसरी क्वेश्चन ही आ गया तो आएगा नहीं। वैसे आजकल वो 20-20 नंबर के क्वेश्चन आते नहीं है, जब मैंने CS किया था तब आते थे, अब तो 5-5 नंबर से ऊपर आते नहीं है, तो 7-8 नंबर का भी आ गया मैक्सिमम कभी किसी केस में, हद से हद। ओनली जुडिशियल इंटरप्रिटेशन डिसरिगार्ड द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉर्पोरेट और सेपरेट लीगल एंटिटी और सेपरेट पर्सनैलिटी। तो जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट्स में तो है, वो तो हमने बहुत सारे केस किए होते हैं, गिलफोर्ड मोटर्स, देन यू नो दैट, देन शोमानिक जी पैटेट, बहुत सारे केसेस किए हैं, एसोसिएटेड रबर इंडस्ट्रीज, वो सब किए हुए हैं हम लोगों ने, तो उसमें तो हो ही रहा है, जोन्स वर्सेज लिपमैन, RG फिल्म्स, कॉर्नर्स, डैमलर, ये सारे केसेस हमने किए हुए हैं क्लास के अंदर पहले, तो ये सब भी लिखा हो साथ में, और जो कंपनी लॉ के रेलिवेंट सेक्शंस हैं वो भी लिखा हो साथ में, कौन कौन से सेक्शंस पे। इसके अलावा और सेक्शंस लिखने का मन कर रहा है तो इसमें एड ऑन भी लिखाओ, जो तुम्हारा लिखने का मन कर रहा है, जो भी लिखोगे, जहाँ पर भी डायरेक्टर को या कंपनी सेक्रेटरी को या ऑफिसर डिफॉल्ट को जेल हुई है, तो यहाँ आकर वो कहानी खत्म हो जाती है। व्हेन आई टॉक अबाउट वेल द फर्स्ट एपिसोड ऑफ वेब सीरीज, लेकिन आप लोगों के लिए ऑप्शन अभी चूज करना है और आपको लिखना है, और वो दो फ्री गिफ्ट्स इसी वीडियो में मिलेंगे आपको, बट नॉट नाउ, थोड़ी देर के बाद, तो दोबारा आकर देख लीजिएगा एंड फाइंड आउट योरसेल्फ। सो एपिसोड 1 इज ओवर, एपिसोड 2 इज कमिंग टुमारो एज पर द टॉपिक दैट यू चूज। थैंक यू सो मच, जय माता दी।